देखो पहले आज डिस्कस करते हैं फंक्शन। तो फंक्शन में मेनली क्या है, एक्चुअली पहले फंक्शन होता क्या, फंक्शन का मेन काम क्या है। जैसे कि कोई भी हम फंक्शन लिखते हैं, मतलब कि कोई एक सिंटेक्स लिखते हैं, उसमें एक आर्गुमेंट डालते हैं कीवर्ड में, तो उस आर्गुमेंट के अनुसार मेरा वो काम करता है, उसी ज्यादातर हम लोग फंक्शन की तरह हम लोग बोलते हैं। तो डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन का डिफरेंट डिफरेंट काम होता है। तो जैसे कि मेरे अभी हम लोग को बेस सेट में अबाउट 27 फंक्शन हम लोग के लिए इम्पोर्टेंट है, तो हम लोग 27 फंक्शन को हम लोग डिस्कस करेंगे। तो उसमें पहले हम लोग डिस्कस कर रहे हैं ट्रिम फंक्शन, स्ट्रिप फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन, लेफ्ट राइट, लो केस, अप केस, प्रोप केस। पहले ये सात फंक्शन डिस्कस करते हैं कि ट्रिम क्या है, स्ट्रिप क्या है। ट्रिम और स्ट्रिप क्या है, ये जो होता है जब मेरे पास कोई वर्ड है तो उस वर्ड में उसका टेलिंग ब्लैंक जो होगा उसको रिमूव करेगा। जैसे कि हम बताते हैं, जैसे कि हम मैं लिखा शशि, SH, 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 SH,
लेंथ असाइन किए हुए हम 1 2 3 4 5 6, ये 6 है, लेकिन हम इस कॉलम का लेंथ हम मान लो असाइन क्या किए हैं, 8 असाइन किए, मतलब दो स्पेस रहेगा इसके बाद, दो दो स्पेस रहेगा जो दिख नहीं रहा है, मान लो कि स्पेस को हम शो कर रहे हैं स्टार से, सपोज इट ये स्पेस है, तो ये क्या होगा कि एक्चुअली हम लेंथ तो 8 असाइन किए थे, लेकिन हम वहां पर कॉलम वैल्यू क्या असाइन दिए, शशि दिए जो 6 ही है, तो रिमेनिंग क्या है, दो ब्लैंक है, तो ये एक ऐसा भी हो सकता है कि अगर हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं शशि को, एक आगे स्पेस दे दिए, मान लो स्पेस को हम स्टार से डिनोट कर रहे हैं, और एस एच एस एच आई शशि, ये तो 6 कैरेक्टर है लेकिन लेंथ टोटल मेरा 8 है, तो और एक आगे ब्लैंक है एक पीछे ब्लैंक है। अब मेरे पास सिनारियो क्या है, अब हम लोग करना क्या चाह रहे हैं कि अगर हमको केवल पीछे का ब्लैंक यूज हटाना है, केवल स्टार मतलब का स्टार मतलब ब्लैंक ब्लैंक एस एच एस एच आई रहे और यहां पर मेरा कोई ब्लैंक नहीं रहे, मतलब हम लोग कैसा चाह रहे हैं स्टार शशि, और दूसरा सिनारियो क्या है, हम चाह रहे क्या केवल शशि रहे, मतलब क्या है, पहला सिनारियो मेरा क्या है, मेरा टेलिंग टेलिंग ब्लैंक ब्लैंक जो है उसको हम रिमूव कर रहे हैं, सेकेंड सिनारियो क्या है, मेरा लीडिंग ब्लैंक, मैं जो ये जो लीडिंग ब्लैंक है और ये जो टेलिंग ब्लैंक है दोनों को रिमूव कर रहे हैं, जो मेरे पास करेक्टर है जो मेन इंफॉर्मेशन है केवल उसी को कैप्ट कर रहे कीप कर रहे हैं और रिमेनिंग को हम डिलीट कर रहे हैं, मतलब इसमें लीडिंग ब्लैंक और टेलिंग ब्लैंक दोनों को रिमूव कर रहे हैं और इसमें केवल टेलिंग ब्लैंक को रिमूव कर रहे हैं, तो अगर हम केवल टेलिंग ब्लैंक को रिमूव करना है तो हम लोग क्या यूज करते हैं, ट्रिम फंक्शन, ट्रिम फंक्शन और ये आर्गुमेंट, तो मान लो कि इसको हम किसी एक कॉलम में सेव किए हुए हैं, तो इसका एक इसका सिंपल सा है, इसका हम दिखा सकते प्रोग्राम, यहाँ समझा रहे प्रोग्राम से इस प्रोग्राम में कैसे क्या है, तो यहाँ पर क्या है? एक डाटा सेट हम बनाया है, तो एक डाटा सेट में हम लोग क्या किए हैं, शशि, फिर यहाँ कुछ ब्लैंक दिए हम लोग अबाउट 1 1 2 अबाउट 2 ब्लैंक है, यहाँ पर यहाँ भी अबाउट 2 1 ब्लैंक है, तो ये मान लो शशि अब कुमार
फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच में ब्लैंक दिए हैं। यहाँ रोहन में भी फर्स्ट ब्लैंक, फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के बीच हम कुछ कुछ स्पेस दिए हैं। तो हरी, और हम यहाँ क्या कर रहे हैं, और हम लोग यहाँ पर हम लोग शो कर रहे हैं क्या कि, और यहाँ कर रहे हैं एक्स इक्वल टू ट्रिम फर्स्ट नेम, ये भी एक फंक्शन बताएंगे, ये कैटेनेशन है, मतलब कि दोनों दो को एक साथ ऐड करता है। तो फर्स्ट फर्स्ट नेम और लास्ट नेम को दोनों को ऐड कर रहा है, कंबाइन कर रहा है। तो अगर हम ट्रिम कर दिए तो क्या हुआ, इसको जो ये जो ब्लैंक है इस ब्लैंक को ये रिमूव कर देगा। देखो अगर हम इस प्रोग्राम को रन करते हैं, वन बना, तो ये क्या बना फर्स्ट नेम लास्ट नेम, और यहां देखो क्या हुआ, जो शशि और कुमार फर्स्ट और लास्ट नेम के बीच में जो भी था स्पेस था ये क्या हुआ, रिमूव हो गया। तो ट्रिम का मतलब क्या है, और अब पुट हम लोग डाल दिए, और एक चीज क्या दिए हैं, पुट डाल दिए, पुट पुट से क्या हुआ, जो एक्स का वैल्यू था वो लॉग विंडो में आ जाएगा। तो लॉग विंडो में हम लोग देख सकते हैं शशि जो स्पेस था अब वो स्पेस नहीं है। अब इसका मतलब क्या हुआ कि जो मेरा टेलिंग ब्लेंड था वो मेरा मतलब कि खत्म हो गया। तो टेलिंग ब्लेंड को रिमूव करने के लिए हम लोग ट्रिम यूज करते हैं। अगर हम लोग स्ट्रिप यूज करते हैं तो क्या होता है, जैसा कि जिसे मेरे पास एक एग्जांपल है, मेरे पास फर्स्ट नेम है, तो और मैंने तीन एग्जांपल दिया, शशि कुछ टेलिंग ब्लैंक यहाँ पर है, एक एक टेलिंग ब्लैंक है यहाँ पर, 1 2 3 टेलिंग ब्लैंक है रोहन में, ज्ञान में चार लीडिंग ब्लैंक है, रोहन में कितने हैं लीडिंग ब्लैंक, 3 लीडिंग ब्लैंक है, 1 टेलिंग ब्लैंक है, ज्ञान में 4 लीडिंग ब्लैंक है। तो स्ट्रिप कर देने का मतलब क्या है, जो लीडिंग और टेलिंग ब्लैंक है सारा रिमूव हो जाएगा। तो यूज करते हैं इसको, तो ये क्या हो गया, शशि रोहन ज्ञान एट करेक्टर। पहले ये क्या था, ये मेरा इस टाइप से था, पहले यहाँ स्पेस था फिर रोहन था, ज्ञान था फिर रोहन था। तो उसको और एक चीज हम देखने के लिए यहाँ से हम लोग देख सकते हैं, तो हम लोग ये देख सकते हैं क्या हुआ, यहाँ पर शशि रोहन और ज्ञान जो भी था लीडिंग और टेलिंग ब्लैंक यहाँ पर रिमूव हो गया। तो इसमें क्या था कि जो लीडिंग और टेलिंग ब्लैंक था उसको रिमूव करना है, तो इसलिए हम लोग स्ट्रिप फंक्शन यूज करते हैं। और लेफ्ट फंक्शन क्या है, एक सेकंड भैया, ये वाला जो था ना इसमें हम क्या किए थे, जो नीचे वाला ज्ञान है ना उसके आगे और भी बहुत सारा स्पेस दिए थे, तो जब बहुत सारा स्पेस दिए तो नीचे वाला ज्ञान ही गायब हो गया था स्ट्रिप फंक्शन यूज करने। तो मेन हम समझ रहे प्रॉब्लम क्या हुआ, प्रॉब्लम ये हुआ तुम इसका लेंथ डिसाइड डिफाइन नहीं किए होगे। अच्छा समझा, ओके, हाँ, लेंथ से आगे निकल गया, हाँ लेंथ से आगे चला गया, तो तुम्हारे पास केवल स्पेस रह गया होगा, ज्ञान नहीं आया होगा। स्पेस, हाँ, इसलिए तुमको उसको, अगर तुम उसको लेंथ डिसाइड कर दोगे तो उस रेंज में आ जाएगा। हम लेंथ बताते, लेंथ क्या चीज होता है, अब है लेफ्ट राइट है। तो लेफ्ट में क्या है, लेफ्ट में है क्या, जैसे कि मान लो कि हम मैंने एक दिया स्पेस शशि स्पेस कुमार, क्या हुआ लेफ्ट मेन है। लेफ्ट का मतलब क्या है, जो मेरा वर्ड है
उसको हम लेफ्ट अलाइन करते हैं। राइट का मतलब क्या है, उसको हम राइट अलाइन करते हैं उस चीज को। तो जैसे कि मैंने एक एग्जांपल दिया, मैंने यहाँ पर स्पेस दिया है, यहाँ पर इतना ये स्पेस है जो हाईलाइट दिख रहा है, उसके बाद शशि और कुमार है, और उसके बाद यूज कर रहा हूँ मैं एक्स लेफ्ट, और ये जो मेरा जो भी वेरिएबल नेम है उस वेरिएबल नेम को यहाँ मैं यूज कर रहा हूँ। राइट में भी सेम है, फर्स्ट नेम यूज किया हूँ, और ये मेरा क्या है, यहाँ ये स्पेस है यहाँ पर। तो अब मैं इसको यूज कर रहा हूँ, तो मैं इसे देखूंगा क्या है, आखिर क्या हो रहा है। तो यहाँ पर क्या हुआ, डाटा सेट 3 में यहाँ क्या है, स्पेस है, स्पेस है यहाँ पर, फिर शशि है, फिर कुमार है, लेकिन यहाँ कोई स्पेस नहीं है। लेकिन ये जो स्पेस यहाँ आ गया, जो स्पेस ये था, ये यहाँ पर क्या हुआ है कि दोनों का लेंथ सेम रह गया है, 15 है, ये भी 15 है। लेकिन पहले क्या होता था कि हम क्या करते थे, हम लोग लीडिंग या टेलिंग ब्लैंक को रिमूव करते थे। यहाँ पर एक्चुअली हम लोग रिमूव नहीं किए हैं, जो ब्लैंक है, बस यहाँ पर क्या हुआ है कि ये शिफ्ट हो गया है, मतलब कि लेफ्ट अलाइन हो गया है, जो शशि कुमार था ये लेफ्ट अलाइन हो गया है। जैसे मेरे पहले क्या था, पहले था क्या कि ये मान लो कि स्पेस को हम स्टार से शो कर रहे हैं, 1 1, ये एस एच ए एस एच आई, ये शशि था। तो अब क्या हो गया, मान लो कि ये 8 लेंथ है, तो अब हुआ क्या कि एस एच ए एस एच आई शशि यहाँ हो गया, लेफ्ट अलाइन हो गया, और दो स्पेस इधर आ गया, समझे, कि मतलब कि जो भी मेरा करेक्टर था तो मेरा ये लेफ्ट अलाइन हो गया है। बस बस लेफ्ट अलाइनमेंट होता है, पोजीशन टोटल नंबर ऑफ लेंथ सेम है लेकिन लेफ्ट अलाइन हो गया है। अगर ये सेम चीज अगर राइट में हम लोग यूज करते हैं, तो राइट में यूज करते मतलब क्या हो जाता है, अगर राइट फंक्शन यूज करते तो ये राइट अलाइनमेंट हो जाता है। तो मतलब ये राइट में चला जाता, इसका मतलब क्या है, स्पेस मेरा क्या आ जाएगा, लेफ्ट में आ जाएगा, मतलब ऐसा हो जाएगा, दो स्पेस और ये शशि। तो इसमें हम लोग देख सकते हैं, तो उसमें वही देखो, यहाँ जो स्पेस था वो एक्चुअली स्पेस इधर आ गया, राइट साइड में आ गया, और ये जो मेरा जो वर्ड था ये मेरा लेफ्ट अलाइन हो गया। और ये देखो इसमें यहाँ पर हम लोग क्या कर रहे हैं, राइट में हम लोग लाइफ, यहाँ पर मेरा एक स्पेस है, ये फर्स्ट नेम लिखे हैं शशि कुमार, और यहाँ स्पेस। तो राइट करने का मतलब क्या हुआ, स्पेस लेफ्ट में चला जाएगा, और जो शशि कुमार जो है, ये जो वेरिएबल है वो राइट में आ जाएगा। तो यहाँ पर देख सकते हो, तो ये क्या हुआ, ये मेरा आ गया कहाँ, राइट अलाइनमेंट मेरा ये आ गया। पहले पुट एक्स कर रहे हैं, जो आखिर जो राइट अलाइनमेंट में जो आया है, और फिर पुट फंक्शन नेम, जो पहले जो फंक्शन नेम है, तो एक्चुअली मेरा पहले ऐसा था, ये था, ये स्पेस था, ये स्पेस मेरा क्या हुआ, ये जो स्पेस था मेरा यहां पर आ गया। तो मतलब, और इसमें तुम देखोगे कुमार जो है KUMEA, ए आर नहीं आया है। इसका कारण क्या है, इसका लेंथ जो है हम लोग 15 तक था, लेकिन ये लेंथ 15 से ज्यादा जा रहा है, तो ये कट गया उस पर्टिकुलर जो कैरेक्टर है, तो लेंथ से ज्यादा हो गया। तो अगर इस लेंथ को हम लोग डिफाइन कर देंगे पहले ही, लेंथ अगर हम 15-16 पहले ही डिफाइन कर देंगे, तो हमको पूरा लेंथ आ जाएगा, पूरा करेक्टर आ जाएगा। तो ये तो पता चलेगा कि लेफ्ट क्या होता है, राइट क्या होता है। ट्रिम का क्या था, ट्रिम होता है ट्रिम हो गया मेरा ओनली स्पेस, मतलब कि स्पेस को रिमूव करेगा, कौन से स्पेस को, ट्रेलिंग ब्लैंक।
टी का मतलब क्या है, ट्रेलिंग ब्लैंक है। स्ट्रिप का मतलब क्या है, स्ट्रिप का मतलब है कि लीडिंग एंड ट्रेलिंग ब्लैंक बोथ। एस आ गया मतलब एस आ गया, स्ट्रिप मतलब लीडिंग एंड ट्रेलिंग ब्लैंक बोथ होगा, केवल टी रहेगा तो ट्रेलिंग ब्लैंक होगा। लेफ्ट हो गया मतलब लेफ्ट अलाइन, राइट तो राइट अलाइन ऑफ द कैरेक्टर, लो केस अप केस एंड प्रोप केस। तो क्या लो केस और अप केस एंड प्रोप केस का क्या है कि लो केस का मतलब है कि जो भी मेरा जो वर्ड है उसको लो केस में कन्वर्ट कर देगा, अप केस का मतलब क्या है उसको अप केस में कन्वर्ट कर देगा, अब प्रोप केस का मतलब क्या है, प्रोप केस का मतलब प्रोप केस क्या होता है, प्रोप केस ये होता है एस एच एस एच आई। फर्स्ट इज फर्स्ट करेक्टर इज द कैपिटल, अनदर इज द स्मॉल। लो केस क्या होता है, सारा मैच स्मॉल में होगा, अप केस में क्या होगा, सब मेरा अपर केस में। हमको अगर कन्वर्ट करना है अपर केस में तो ये अप केस यूज करते हैं, लो केस में कन्वर्ट करना है तो ये लो केस में यूज करेंगे, अगर प्रोप केस में यूज करना है तो फर्स्ट कैपिटल ये इस केस में। सेम टाइप आर में भी होता है, टू अप टू अपर टू लोअर, इस टाइप वहां वहां भी फंक्शन काम करता है। तो ये आपका सेकंड बैच भी लीजिएगा आप, तो ये चीज देखो लोअर केस। हाँ तो F3, तो हम लोग देखते हैं फिफ्थ में क्या हुआ। एक्चुअली शशि कुमार पर कैपिटल था, क्या हो गया, स्मॉल में हो गया, क्योंकि हम लोग यूज क्या किए हैं, लो केस, अरे जो वैल्यू नेम था उसको हम यूज किए हैं। अब यहाँ अप केस और प्रोप केस दोनों यूज कर रहे हैं सिक्स में। फर्स्ट नेम क्या था, शशि कुमार, इस प्रकार लोअर केस में लिखा हुआ था, लेकिन मेरा ये क्या हुआ अपर केस में आ गया, अप केस यूज फंक्शन यूज किए, और ये प्रोप केस यूज किए तो क्या हुआ, फर्स्ट कैपिटल फर्स्ट कैरेक्टर इज कैपिटल, अनदर इज स्मॉल। सेम दो इसके बाद जो आया ये भी कैपिटल होगा और स्मॉल होगा सब रिमेनिंग। तो ये मेरा हो गया लो केस अप केस, ये मेरा यहां तक हो गया कि लो केस क्या होता है, अप केस क्या होता है, प्रोप केस क्या होता है। अब लेंथ और करेक्टर, लेंथ क्या है और करेक्टर क्या है। लेंथ हम देखते हैं एक पर्टिकुलर वर्ड में कितनी लेंथ है, जैसे कि मुझे ये फंक्शन है शशि कुमार में हमको सेव की टोटल इसका लेंथ क्या है, तो इसका लेंथ जितने रहेगा मतलब 1 2 3 4 5 6 है तो 6 शो करेगा। अगर अगर इसमें हम लेंथ देखेंगे तो क्या 8 आएगा, क्योंकि दो स्पेस भी है, दो स्पेस है और 6 कैरेक्टर है, टोटल कितने आगे आ जाएंगे लेंथ, ये 8 आएंगे। फिर नेक्स्ट हम लोग देखेंगे, ये तो लेंथ का बारे में हुआ और कैरेक्टर के बारे में हम लोग जब देखेंगे कैरेक्टर क्या होता है। तो कैरेक्टर में क्या है कि कैरेक्टर का फंक्शन है आर्गुमेंट, फर्स्ट आर्गुमेंट और ये सेकेंड आर्गुमेंट। सेकेंड आर्गुमेंट क्या है, सेकेंड आर्गुमेंट शो करता है उस जो कौन से वर्ड का या कौन से वैल्यू का मुझे वो पर्टिकुलर कैरेक्टर को मुझे शो करना है। तो कैरेक्टर क्या हुआ, रिटर्न अ सिंगल कैरेक्टर फ्रॉम द स्पेसिफिक पोजिशन इन अ स्ट्रिंग, उस स्ट्रिंग से मुझे स्पेशल मतलब एक सिंगल कैरेक्टर को डिफाइन करना है, केवल शो करना है। तो ये मेरा स्ट्रिंग हो गया और इस स्ट्रिंग में ये पोजिशन हो गया, शशि है, शशि स्ट्रिंग है और मैंने 3 शो किया पोजिशन, तो थर्ड पोजिशन क्या ए है, तो मैं ये यूज करूंगा तो मुझे ए रिटर्न होगा, x इक्वल टू ए रिटर्न होगा। तो इसको भी हम लोग देख लेते हैं ये लोग क्या है, 7 8, तो शशि क्या है, टोटल 6 है तो 6 आ गया है। 8 में हम लोग देखे एट
ठीक। मैंने थ्री डिसाइड किया, पोजीशन थ्री असाइन किया था इस स्ट्रिंग में, मैंने पोजीशन थ्री असाइन किया था एस एच ए, तो ये थर्ड पोजीशन पर है ए, तो ए को मुझे शो कर दिया। मेरा एक सिंग कैरेक्टर क्या किया, एक सिंगल कैरेक्टर को वो रिटर्न कर रहा है उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से, और जो मैंने वो लोकेशन को मैंने डिफाइन किया है। तो ये सिंटेक्स याद रखना ऑलवेज, ये कैरेक्टर में एक स्ट्रिंग होता है, नेक्स्ट पोजीशन होता है, इसका सिंटेक्स क्या हो गया, कैरेक्टर का सिंटेक्स हो गया स्ट्रिंग और ये पोजीशन। तो इसमें मैंने क्या डाला था, इसका पोजीशन मैंने थ्री असाइन किया मैंने, तो यहाँ थ्री असाइन किया इस, ये थ्री है, तो इसमें अगर हम मैंने थ्री असाइन किया तो ये क्या, ये फर्स्ट है, ये सेकेंड है, एच एच सेकेंड है और ए थर्ड है। तो थर्ड जो करेक्टर है उस करेक्टर को वे रिटर्न करेगा, तो क्या हो गया एक, तो यहाँ पर ए को ये रिटर्न करेगा। तो ये करेक्टर क्या है इसके बारे में हम लोग देख लिए। अब हम लोग को देखना है क्या इंट सेल फ्लोर अराउंड क्या होता है, तो इसको हम लोग कैसे यूज करते हैं। तो एक्चुअली ये सारा, एक्चुअली ये सब जितने अभी तक हम लोग काम किए थे, ये सब सारे कैरेक्टर के लिए हम लोग काम किए थे अभी तक, ये जितने ये नाइन फंक्शन हम लोग अभी पढ़े हैं, ये सारे नाइन फंक्शन सारे कैरेक्टर के लिए थे। अब ये जो चार फंक्शन है, ये चार फंक्शन मेरा इंट सेल फ्लोर अराउंड, ये जो है एक्चुअली हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं राउंड फंक्शन को, बहुत हम लोग यूज करते हैं, और देखना है कि डिफरेंस क्या है आखिर इंट सेल फ्लोर अराउंड के बीच में रिलेशन क्या है, कैसे हम लोग ये सब का हम लोग डिफरेंस निकाल सकते हैं, मेन ये चीज देखना है। तो उसको देखने के लिए हम लोग यहाँ से देख सकते हैं, एक एग्जांपल है मेरे पास, तो मेरे पास एक ये प्रोग्राम है, तो इस प्रोग्राम में क्या है, एक डाटा सेट बनाया, मान लो ए में असाइन किया इंट, ये जो नंबर मैंने डाटा लाइन में असाइन कर रहा हूँ, बी सेल, सी फ्लोर, डी राउंड, ई राउंड, एफ राउंड, तो आखिर क्या हो रहा है। तो और ये डाटा सेट में मैंने डिफरेंट नम को असाइन किया है, 10, 15, 20, मतलब कि पॉजिटिव को भी असाइन किया हूँ, नेगेटिव को असाइन किया हूँ, पॉजिटिव डेसिमल में भी असाइन किया हूँ, नेगेटिव डेसिमल में भी असाइन किया हूँ, डिफरेंट टाइप ऑफ परम्यूटेशन नंबर को मैंने असाइन किया हूँ, और उसके बाद मैं देख रहा हूँ क्या हो रहा है। तो मैं यहाँ एक चीज देख रहा हूँ, यहाँ पर क्या हुआ, तो यहाँ पर देखोगे कि 10, 15 ये नंबर है, अगर इसका मैंने इंट लिया, तो इंट लिया तो क्या 10 का 10 रह गया, 15 का 15 रह गया, तो 32.5 तक क्या हुआ, 32 ही रह गया, 0.5 नहीं आया, 79 है तो 79 हो गया, 37.9 है तो 37 रह गया, -10 है तो 10 रह गया, -23.6 है तो -23 हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ, तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर इंट यहाँ पर यूज किए, जो डेसिमल पोर्शन है, डेसिमल पोर्शन को वो रिमूव कर दिया, ट्रंकेट कर दिया डेसिमल पोर्शन, जो मेरा मेन नंबर है उसको रखा, डेसिमल पोर्शन को ट्रंकेट कर दिया। अगर सेम चीज सेम नंबर में हम लोग सेल फंक्शन यूज किए, CEIL सेल फंक्शन यूज किए, तब क्या हुआ, सम इसमें थोड़ा सा डिफरेंस है, ये क्या 10 है, 10 का 10, 15 का 15, 32.5 का हो गया 13 हो गया, ये क्या हो गया 32.5, मतलब नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर, जो नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर है तो ये चला गया इसका 32.3 का, जो राउंड हो गया, जो राउंड हम लोग बोलते हैं कि राउंड होना, राउंडिंग हो गया उस नंबर का।
तो 32.5 को मिला 33 हो गया, ये मेरा क्या हो गया, मेरा 33 हो। ये मेरा 33 हो गया, राउंडिंग हो गया, 79 था 79 हो गया, और ये भी मेरा क्या हो गया, राउंडिंग हो गया। यहाँ देखोगे ये मेरा नेक्स्ट नंबर पर राउंड हो गया, लेकिन जब तुम ये एक्चुअली पॉजिटिव में था तो राउंडिंग में हो गया, लेकिन जब हम मेरा नंबर निगेटिव में है, जब मेरा नंबर निगेटिव में है तो एक्चुअली राउंडिंग नहीं हो रहा है, ये ध्यान देने का चीज है कि जब मेरा नंबर यहाँ निगेटिव है तो ये राउंडिंग नहीं हो रहा है। जो जैसा मेरा इंट काम कर रहा था, जैसे मेरा इंट काम कर रहा था औसा, अभी मेरा ये काम कर रहा है। जैसे मेरा इंट में क्या था, मतलब अगर अगर निगेटिव में है, अगर ए निगेटिव है, मतलब कि इंट अगर निगेटिव है तो सेल और इंट में कोई डिफरेंस नहीं है, लेकिन इंट अगर पॉजिटिव है तो मेरा ये डिफरेंस हो रहा है, ये राउंडिंग हो रहा है, समझे। अगर देखो अगर फ्लोर यूज, हमारे पास रुक जाओ एक मिनट, पहले हम बता, हमारे पास ये, अच्छा ठीक है, पहले हम बताते हैं उसके बाद क्वेश्चन पूछना। अब ये क्या है, फ्लोर, फ्लोर फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो फ्लोर में क्या है, ये 10 है 10 है, 15 है तो 15 है, लेकिन इसमें क्या 32.5 से 32 आया, और ये 79 का 79 है, और 37.9 है तो 37 आया, और माइनस 10 है माइनस 24.6 है तो माइनस 24 आया। तो मतलब इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब क्या हुआ कि मैं 32.5 का मैं 32 आया, जो मेरा प्रीवियस नंबर है। एक्चुअली राउंडिंग क्या होता है, अगर 32.5 होता है तो उसका राउंडिंग 33 होता है, तो मेरा होता है क्या, नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर राउंडिंग का मतलब होता है। लेकिन यहाँ से फ्लोर में क्या हो रहा है, फ्लोर का मतलब क्या, प्रीवियस हाईएस्ट, हाईएस्ट नंबर, क्या हो गया, प्रीवियस हाईएस्ट नंबर आ गया, मतलब एक्चुअली ये ऐसा था, ये मेरा 32 है, नेक्स्ट नंबर क्या है 33 है, और ये मेरा 32.5 है। तो एक्चुअली सिंपल राउंडिंग हम लोग देखते हैं तो क्या होता है, ये जो अगर ये कोई नंबर है ये ऑटोमेटिक शो करता है 33 को, 33 शो करता है, लेकिन फ्लोर में क्या हो रहा है, फ्लोर का मतलब हो कि राउंडिंग होगा लेकिन प्रीवियस जो हाईएस्ट नंबर है, प्रीवियस हाईएस्ट नंबर उसके अनुसार शो होगा, इसलिए 32 शो रहा है। इस सेम टाइप 37.9 है, तो मान लीजिए 37 है, ये 37 है, और ये मेरे क्या है 38 है, ये समझ लीजिए मेरा 38 है, ये काम नहीं कर रहा, तो क्या हो रहा है इसमें, और ये मान लो कि कोई नंबर है, यहाँ मिडिल में नंबर है, तो मिडिल में नंबर है यहाँ पर, तो एक्चुअली हम लोग राउंडिंग मेनली हम लोग करते हैं क्या, नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर, तो नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर में मेरा 38 आता है, लेकिन हम फ्लोर यूज कर रहे हैं तो फ्लोर प्रीवियस हाईएस्ट नंबर, तो मेरा 37, तो मेरा क्या आ रहा है, यहाँ 37 आ रहा है। सेम टाइप माइनस 10 का 10, 23 का माइनस 23.6 है, तो क्या है, तो प्रीवियस नंबर है, तो मेरा प्रीवियस नंबर में क्या होता है, 20 माइनस 24 हो जाता है,
हाँ तो इसका हम लोग अगर नेगेटिव हम लोग असाइन करेंगे तो कैसा आ रहा है, नेगेटिव हम लोग देखें। लोग नेगेटिव में देखते हैं क्या हो रहा है, सी -24 -23 लिखते हैं। नंबर थ्री में तो ऐसे ही लिखते हैं, लेकिन कोई जो नंबर है मान लो ये नंबर है, ये जो मेरा नंबर क्या है यहाँ पर 23.6 है, तो 23.6 कहाँ है, ये मान लो ये 23.6 है। तो हम लोग सेल यूज कर रहे हैं, तो सेल यूज करने मतलब क्या आ गया, ये जो मेरा प्रीवियस लोएस्ट नंबर, एक तरह से बोल दो इसके अनुसार लोएस्ट नंबर, कि ऑलवेज हम लोग प्रीवियस बोलने से अच्छा है हम लोएस्ट बोले, जो हाईएस्ट राउंड मिलने क्या होता है, नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर प्रीवियस लोएस्ट नंबर, तो प्रीवियस लोएस्ट नंबर क्या है इसका, ये है इंटीजर, तो ये होगा। अगर सिंपल राउंड ऑफ होता फिर नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर, नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर क्या है, ये है। तो ये हो गया फ्लोर, हो गया फ्लोर, हो गया इंट का तो सिंपल डेसिमल को ट्रंकेट कर दिया। अब राउंड देखो, तो मेन डिफरेंस यहाँ है तुमको राउंड और फ्लोर देखना है। तो फ्लोर बताएं क्या हुआ, जो डेसिमल नंबर को है तो एक्चुअली देखो ये क्या हुआ 32 को, यानी जो 32 है 32.5 है, तो यहाँ क्या किया 32 किया था प्रीवियस नंबर को, लेकिन राउंड क्या करता है नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर उसको लिया, नेक्स्ट हाईएस्ट नंबर है उसको राउंड किया, 32 है तो 32.5 है 33 किया, 79 37 38, लेकिन जब यहाँ निगेटिव है तो क्या था 23.6 है, तब दोनों इक्वल है मतलब सेम वैल्यू आएगा, दो ये जो इसका जो लोएस्ट नंबर है उसको ले रहा है। तो एक तरह से अगर हम नंबर सीरीज में बात करें तो ये किस प्रकार काम कर रहा है, तो नंबर सीरीज में हम लोग देखें तो अगर ये नेगेटिव नहीं रहता, सपोज ये पॉजिटिव रहता तो क्या होता, ये मेरा 23 होता, यहाँ ये 24 होता। तो अगर इस नंबर को हम राउंड करना है तो मेरा आंसर क्या आता, 24 आता। तो लेकिन अगर हम फ्लोर यूज कर रहे हैं फंक्शन और सभी ये निगेटिव है, तो उस समय भी -24 ही आएगा, देखो -24 ही आएगा। ये था मेरा राउंड और फ्लोर, मतलब कैसे क्या रिलेशन है ये हम देख रहे थे। रिलेशन मेनली क्या था कि इंट अगर ए पॉजिटिव है तब तो इंट और फ्लोर सेम है, अगर इंट पॉजिटिव है तो दोनों सेम है, अगर ए निगेटिव है तब इंट सेल के इक्विवेलेंट है। यहां पर क्या है, अगर इंट पॉजिटिव है, ये पॉजिटिव है, अगर इंट पॉजिटिव है तो फ्लोर के इक्विवेलेंट है, अगर ए निगेटिव है तो सेल के इक्विवेलेंट है। तो क्या है, इंट अगर ए पॉजिटिव है तो मेरा फ्लोर के इक्विवेलेंट है, तुम ये देख सकते हो जो फ्लोर फंक्शन है उसके इक्विवेलेंट है। अगर ये ए निगेटिव है तो किसके इक्विवेलेंट है, तो मेरा ये सेल के इक्विवेलेंट है, ये चीज देख लो। अगर इंट पॉजिटिव में है नंबर तो इंट और फ्लोर दोनों सेम हो जाता है, सेम वैल्यू देगा, कोई डिफरेंस नहीं होगा वैल्यू का।
लेकिन अगर ये नंबर नेगेटिव है तो मेरा इंट और सेल के इक्विवेलेंट देगा, ये देखना है बस। और ई में हम लोग क्या सेव किए हैं, राउंड कर रहे हैं, और राउंड में हम लोग दो तरह का राउंड कर रहे हैं। एक तो डी में असाइन कर रहे हैं नम इक्वल टू राउंड को, हम जो जो सिंपल डिफॉल्ट राउंड होता है उसको ले रहे हैं, और हम लोग ये ई इक्वल टू राउंड स्ट्रिंग है, जो भी स्ट्रिंग या नंबर है। और सेकेंड में हम लोग यहाँ क्या कर रहे हैं, ये जो राउंड जो होगा मल्टीपल ऑफ फाइव होगा, ये जो राउंड होगा जो होगा मल्टीपल ऑफ फाइव होगा। और सेकेंड में क्या है कि ये जो नंबर जो राउंड होगा 0.33 के मल्टीपल होगा, समझे। तो हम लोग सेकेंड जो आर्गुमेंट यूज करते हैं फंक्शन में, तो उसमें अगर जो सेकेंड आर्गुमेंट हम लोग जो यूज करेंगे तो उसके अनुसार मल्टीपल होगा, ये चीज होगा। ये तुम देख सकते हो, अगर हम इसमें क्या है जितने भी आ रहे 10, 5, ये क्या 32.5 है, लेकिन मुझे क्या आ रहा है 32.5 की जगह मेरा 35 आ रहा है, क्योंकि मेरा 5 के मल्टीपल होना चाहिए। ये 79 है तो क्या आएगा 80 है, जो मेरा 5 के मल्टीपल रहेगा, जो नियरेस्ट नियरेस्ट इंटीजर नंबर जो मेरा 5 के मल्टीपल रहेगा तो ये आएगा 37.9 है, तो मेरा क्या आ गया 40 आ गया। -10 है तो -10 है, -23.6 है तो -25 है, तो जो भी है मेरा 5 के इंटीजर आ रहा है। और ये एफ में क्या है मेरा 0.33 के इंटीजर में मल्टीपल में आएगा, जो भी है जितनी भी देख लो 0.33 के मल्टीपल में सारा आ रहा है। इसका नियरेस्ट वैल्यू जो है, इसका नियरेस्ट वैल्यू 0.33 में जो है वो सारा आ रहा है, ये बोला। तो इसमें एक चीज समझ में आ गया कि इंट फंक्शन क्या होता है, सेल फंक्शन क्या होता है, फ्लोर फंक्शन क्या होता है, राउंड फंक्शन क्या होता है, और ये मैंने तीन एग्जांपल यूज किए थे राउंड फंक्शन के लिए। एक तो डिफॉल्ट है जब सेकेंड आर्गुमेंट कुछ यूज नहीं किए हैं, जब यहाँ सेकेंड आर्गुमेंट 5 यूज किए हैं, और यहाँ सेकेंड आर्गुमेंट 0.33 यूज किए हैं। ये क्या सेकेंड आर्गुमेंट 5 है और यहाँ पर सेकेंड आर्गुमेंट 0.33 है, ये हम लोग यूज किया है। तो उसमें ये हमको पता चल गया राउंड फंक्शन, फ्लोर फंक्शन, सेल फंक्शन और इंट फंक्शन, तीनों ये सारा फंक्शन के बारे में पता चल गया, और ये सब के बीच में रिलेशन क्या है ये भी मुझे पता चल गया। मेनली हम लोग ज्यादातर यूज करते हैं राउंड फंक्शन को, राउंड फंक्शन ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ये तीन सिनारियो है राउंड फंक्शन का तो ज्यादा इंपॉर्टेंट है। और ये चीज सेम चीज अगर हम लोग सेस में देखें, सेस में किस तरह काम करता है, सेम एग्जांपल है, सेम एग्जांपल को मैंने सेस में भी यूज किया है। -2.1 को -3, सेम चीज को जो भी मेरा यहाँ मैंने एग्जांपल दिखाया, सेम एग्जांपल को मैंने डिफरेंट डिफरेंट प्रोग्राम में मैंने शो किया है। तो यहाँ इस प्रोग्राम को अगर रन कराओगे तो तुमको सेम टाइप का एग्जांपल, सेम टाइप का रिजल्ट तुमको यहाँ पर मिलेगा। तो अब हम लोग डिस्कस करते हैं क्या है, ये तो मेरा हो गया
फ्लोर के बारे में हो गया था। अब हम लोग डिस्कस करते हैं कि एन मिस, सी मिस और एन क्या होता है। एन मिस का यूज कब करता है, सी मिस का यूज कब करना है और एन का यूज कब करना है। तो एन मिस क्या है, एन मिस फंक्शन है विल काउंट द नंबर ऑफ आर्गुमेंट विद मिसिंग वैल्यू इन द स्पेसिफिक लिस्ट ऑफ द न्यूमरिक वेरिएबल। लेकिन सी मिस में क्या है, सी मिस फंक्शन काउंट द नंबर ऑफ आर्गुमेंट्स दैट आर मिसिंग फॉर बोथ कैरेक्टर एंड न्यूमरिक वैल्यू। मतलब क्या है कि अगर एन मिस है, एन मिस में हम लोग केवल न्यूमरिक वैल्यू को ही, हम लोग जब मेरे पास न्यूमरिक वेरिएबल रहेगा वहां हम लोग एन मिस फंक्शन यूज कर सकते हैं। लेकिन जब मेरा सी मिस है, सी मिस में हम लोग केवल कैरेक्टर और एन न्यूमरिक वेरिएबल है दोनों जगह हम लोग यूज कर सकते हैं। जैसे कि मेरे पास इसे मैंने एक एग्जांपल शो कर रहा हूँ। और एक चीज और, ये डॉट अंडरस्कोर डॉट ए डॉट जेड ये सब मेरा क्या है, डिफॉल्ट ये मेरा मिसिंग वैल्यू ही होता है अगर ऐसा कुछ लिखा हुआ है। तो मैंने यहाँ एक एग्जांपल है एन मिस 10, तो इसमें एन मिस का मतलब क्या है, काउंट काउंट द टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यू, ये मैं ये चीज देखना चाह रहा हूँ, काउंट द टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यू। तो ये भी एक मिसिंग वैल्यू होता है। तो अंडरस्कोर 1 ये एक मिसिंग वैल्यू है, ये भी एक मिसिंग वैल्यू है, ये भी एक मिसिंग वैल्यू है और ये भी एक मिसिंग वैल्यू है। तो टोटल मिसिंग वैल्यू कितने हो गए, 4। ये मेरा रिजल्ट क्या शो करेगा, 4, x1=4। एन मिस, अब यहाँ देखें तो 1 एक मिसिंग यहाँ है, एक मिसिंग यहाँ है, तो एन मिस कितना हो गया, 2, x=2। और सी मिक्स क्या है, सी मिक्स में हम न्यूमरिक और करेक्टर दोनों के लिए यूज कर सकते हैं। ये मेरा न्यूमरिक है लेकिन दो मिसिंग है, ये तो ये दो मिसिंग को शो किया। और सी मिस क्या, कैरेक्टर तो कैरेक्टर में शो किए, यहाँ पर कोई मिसिंग नहीं है इसलिए 0 शो किया। सी मिस में ये क्या है, अब यहाँ पर देखो 1, 2 दो मिसिंग है, 1, 2 और ये 3, तीन मिसिंग है। यहाँ पर क्या है, कैरेक्टर भी है और ये मेरा न्यूमरिक भी है, दोनों यूज हो रहा है एक साथ। और यहाँ पर क्या है, और एन, इन क्या करता है, इनका है काम क्या कि टोटल नंबर ऑफ, समझ जाओ कि टोटल नंबर ऑफ लेंथ माइनस मिसिंग, मतलब कि टोटल नंबर ऑफ नॉन मिसिंग वैल्यू है उसको रिटर्न करता है। तो टोटल नंबर नॉन मिसिंग वैल्यू इसमें कितने हैं, 1, 1, 2, 3, 4 सो किया। अरे इसमें कितने नॉन मिसिंग वैल्यू, 1, 2, 3, 4, 5, 6, तो यहाँ क्या रिटर्न किया, 6। तो मतलब कि n, अगर n फंक्शन में हम लोग यूज करते हैं तो, और ये याद रखना है डॉट अंडरस्कोर अंडर, मतलब कि पीरियड से जो भी स्टार्ट होगा वो मेरा मिसिंग में ही काउंट होगा और अंडरस्कोर जो रहेगा तो मिसिंग ही हम लोग काउंट करते हैं। ये मेरा हो गया कि एन मिस, सी मिस और एन फंक्शन। तो एन फंक्शन टोटल क्या काउंट किया, नंबर ऑफ नॉन मिसिंग वैल्यू को काउंट किया, और एन मिस किया टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यू, काउंट द टोटल नंबर ऑफ मिसिंग वैल्यू इन पर्टिकुलर आर्गुमेंट विद ओनली फॉर द न्यूमरिक वेरिएबल, बट सी मिस आर वर्क बोथ फॉर द न्यूमरिक एंड कैरेक्टर वेरिएबल। तो ये मेरा हो गया मिसिंग नॉन मिसिंग को काउंट करने के लिए हम लोग तीन फंक्शन हम लोग यूज कर सकते हैं। अब नेक्स्ट फंक्शन क्या है, नेक्स्ट फंक्शन हम लोग डिस्कस करेंगे एक चीज, चलो जहां तक अभी तक हम पढ़ाए हैं अभी ये, तो उसको हम एक एग्जांपल से देखते हैं कि ट्रिम, स्ट्रिप, लेफ्ट, राइट, अप केस, लो केस और लेंथ, कैरेक्टर, तो इसका क्या था। अगर इस प्रोग्राम को हम लोग यूज करते हैं तो क्या टेस्ट हुए, तो एक्चुअली मेरे पास ये था प्रोग्राम एक्स और वाई,
एक्स वाई में क्या है, आगे भी लीडिंग ब्लैंक और टेलिंग ब्लैंक दोनों जगह है, एक्स वाई में लीडिंग और टेलिंग ब्लैंक है, लीडिंग टेलिंग ब्लैंक है। तो ए ए में क्या हुआ, ए मेरा ट्रिम है, क्या करेगा ट्रेलिंग ब्लैंक को रिमूव करेगा, बी क्या करेगा लीडिंग और टेलिंग ब्लैंक दोनों को रिमूव करेगा, सी क्या करेगा लेफ्ट अलाइन करेगा, डी क्या करेगा राइट अलाइन करेगा। और अब केस क्या करेगा, ये अपर केस में कर देगा, लो केस क्या करेगा लोअर केस में कर देगा, लेंथ क्या करेगा उस स्ट्रिंग का जो लेंथ है उस उसको टोटल रिटर्न करेगा। और एक और ये जो तो ये नोटेशन है दो, ये जो तो हम लोग नोटेशन यूज करते हैं ये तो इसका मतलब क्या है, दो जो कैरेक्टर है दो कैरेक्टर को हम कंबाइंड करते हैं, जो जो आगे हम कैट फंक्शन में भी यूज करेंगे, अभी हम लोग डिस्कस करेंगे कैट फंक्शन के बारे में, जो अभी हम लोग कैट फंक्शन में भी हम लोग उसको यूज करेंगे। और ये मेरा क्या लेंथ है, तो उसका लेंथ है, अगर इसको एड कंबाइंड दोनों कैरेक्टर कंबाइंड हो गया राम और सीता, तो लेकिन यहाँ इसमें मेरा कोई भी ब्लैंक मेरा कोई रिमूव नहीं करते हैं, जब इस अगर ये फंक्शन हम लोग यूज करते हैं सिंपल सिंबल यूज करते हैं दो चीज को कंबाइंड करना है, तो एक्चुअली विदाउट फंक्शन का है, विदाउट फंक्शन का हम लोग कल हो सकता है इंटरव्यू में पूछ सकता है कि विदाउट फंक्शन का दो करेक्ट दो वर्ड को या दो स्ट्रिंग को तुम ए लोग कंबाइंड करो, तो सिंपल ये जो सिंपल से हम लोग कंबाइंड कर सकते हैं, इसमें मेरा दोनों का कोई जो मेरा ब्लैंक है ब्लैंक को रिमूव नहीं करेगा, तो उसी में हम लोग कैट फंक्शन यूज करते हैं कि कैसे ब्लैंक को रिमूव मतलब कि कंबाइंड भी हो जाए और रिमूव भी हो जाए, उसमें डिफरेंट टाइप का कैट फंक्शन आता है, ये आगे हम डिस्कस करेंगे। और कैर है, कैर में क्या किया, जो एक्स है उसका जो सेकेंड पोजिशन पर जो है उसको शो करेगा, लेंथ एक्स का लेंथ शो करेगा, लेंथ डी तो डी का लेंथ शो करेगा, तो वही चीज शो किया है, एक्स राम है सीता है ए, तो इसका ब्लैंक 5 है 5 है, तो इसका टेलिंग ब्लैंक को रिमूव किया, इसका लीडिंग और टेलिंग ब्लैंक दोनों को रिमूव कर रहा है, और ये लेफ्ट लाइन हो गया, ये राइट लाइन हो गया, और ई क्या था मेरा, ये मेरा अप केस था, ये अप केस लो केस ये शो किया, टोटल नंबर ऑफ मे बी जी क्या है लेंथ ऑफ एक्स, हाँ एक्स का इसका लेंथ क्या है उसको लेंथ को शो किया है, और क्या क्या दोनों को ऐड किए एच में, एच में क्या किए एच दोनों को मैंने ऐड किया हूं, तो दोनों को ऐड करने पर क्या है, और उसके बाद लेंथ मैंने उसके बाद उसका मैंने लेंथ भी देखा एच का लेंथ क्या है, तो एच का लेंथ 10 हो गया, ये 4 था और वाई का 6 था, तो 6 + 4 = 10, तो लेंथ मेरा सेम रह गया, लीडिंग और टेलिंग ब्लैंक कोई रिमूव नहीं हुआ है। और इसको मैंने जे में क्या था, जे में मेरा था क्या सेकेंड जो था सेकेंड कैरेक्टर को मैंने शो कर रहा था एक्स का, हाँ एक्स का सेकेंड, तो सेकेंड इसका क्या था, तो मेरा आर था स्पेस, पहला था स्पेस सेकेंड क्या था आर, दो सेकेंड को आर को शो किया, पहला क्या है पहला यहाँ स्पेस है और सेकेंड क्या है ये आर है, तो सेकेंड कैरेक्टर क्या है, तो सेकेंड कैरेक्टर को वो केवल एक कैरेक्टर को रिटर्न करेगा, उसको रिटर्न कर रहा है ये सेम, फिर ये सेम चीज है, ये मैंने एक्स और वाई का दोनों को लेंथ को मैंने रिटर्न किया है, दोनों मैंने देखना है कि लेंथ क्या है, ये डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन हो गया, डिफरेंट डिफरेंट फंक्शन ये कैसे काम कर रहा है। अब हम लोग डिस्कस करते हैं जो हम लोग का मेन फंक्शन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट फंक्शन है और हम लोग बहुत यूज भी करते हैं इस फंक्शन को, और इसका इंटरव्यू में बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, मतलब कि टोटल मिला के मेनली जो सेवनटीन से लेके मेरे पास 17 to 28 1 2 3 4 5 6 7 1 2
वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन टेन, टेन फंक्शन है बस। ये तो बहुत इजी इजी फंक्शन था, ये तो देखिए ये भी बहुत ही इजी फंक्शन है, लेकिन इस सारे फंक्शन को ऑलवेज मुंह पर याद रखना है सिंटेक्स के साथ, कि क्योंकि इंटरव्यू में डायरेक्ट सिंटेक्स ही पूछा जा सकता है कि स्कैन का सिंटेक्स क्या है, फाइंड का सिंटेक्स क्या है, और डिफरेंट टाइप, एक्चुअली इंटरव्यू में डिफरेंट टाइप सिनारियो दिया जाता है, और उस डिफरेंट टाइप सिनारियो को अगर तुमको ये पता रहेगा कि ये इस पर्टिकुलर फंक्शन का क्या काम है, तो उस सिनारियो को तुम तुरंत यूज यूज कर सकते हो। तो स्कैन फंक्शन है, फाइंड फंक्शन है, कैट फंक्शन है, ट्रांसफर फंक्शन है, इनपुट पुट फंक्शन है, सब एसटीआर फंक्शन है, कंप्रेस फंक्शन है, कॉम्बीएल फंक्शन है। कॉम्बीएल से कभी काल नहीं उतना पूछा जाता है, लेकिन फिर भी हम लोग इसको इसको भी हम लोग उतना पढ़ेंगे कभी काल, कभी काल इसको भी आ जाता है क्वेश्चन, इंटरव्यू में आ सकता है। लेकिन ये खासकर नो जो क्वेश्चन है, नाइन क्वेश्चन में स्कैन फंक्शन हो गया, कैट फंक्शन हो गया, ट्रांसफर फंक्शन हो गया, इनपुट सारा इंपॉर्टेंट है, और कंप्रेस तो और इम्पोर्टेंट है। कंप्रेस फंक्शन है बहुत ही इम्पोर्टेंट है कंप्रेस में, और बहुत सारा इसका जो आर्गुमेंट है, डिफरेंट डिफरेंट इसके आर्गुमेंट के अनुसार उसका डिफरेंट डिफरेंट वैल्यू चेंज होता है। तो चलो हम लोग पहले हम लोग डिस्कस करते हैं क्या स्कैन, पहले हम लोग डिस्कस करते हैं यहाँ पर, हम लोग दिए हैं यहाँ पर स्कैन फंक्शन, फाइंड फंक्शन, कैट फंक्शन, ट्रांसफर फंक्शन और इनपुट फंक्शन क्या है, तो हम लोग देखते हैं। सिंपल सा सिंटेक्स है, सिंटेक्स स्कैन का सिंटेक्स क्या है, स्कैन मेरा हो गया, मिनट हाँ, पहले स्कैन फंक्शन को देखते हैं। स्कैन फंक्शन मेरा क्या है, तो स्कैन फंक्शन सिंटेक्स हुआ स्कैन स्ट्रिंग, एन 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 मतलब हो गया जो स्पाई द एनथ वर्ड टू द एक्सट्रैक्ट फ्रॉम द स्ट्रिंग, और ये मेरा डेलीमीटर, और कौन सा हम लोग डेलीमीटर यूज कर रहे हैं, पहले कंट्रोल ए करते हैं। स्कैन ये मेरा स्ट्रिंग, ये एन एन डेलिमिटर, तो ये मेरा हो गया स्कैन फंक्शन। तो मतलब एन क्या हुआ, कौन से नंबर को मुझे वहां से एक्सट्रैक्ट करना है, और यहाँ पर कौन से डेलिमीटर यूज कर रहे हैं, ये चीज देखना है। हम एग्जांपल में बताएंगे कैसे स्कैन, पहले हम लोग सिंटेक्स देख रहे हैं, ये सिंटेक्स इसका है, और इसमें एक चीज और है, इसका लेंथ कभी कल पूछा जाता है, ये भी इम्पोर्टेंट है, तो वो भी हम लोग देख लेंगे। इसका 200 लेंथ होता है, एक बार में बता देंगे, कुछ वर्जन के अनुसार एक्चुअली ये चेंज हो जाता है। तो एक्चुअली अभी हम लोग 9.4 यूज कर रहे हैं, तो हम लोग ज्यादातर बात करेंगे 9.4 के अनुसार, लेकिन हम लोग दोनों डिस्कस कर लेंगे आखिर क्या हो रहा है। और स्कैन फंक्शन क्या करता है, जो nth वर्ड हम लोग n लगाए हैं, nth करेक्टर जो है उसको वे रिटर्न करता है उस एक पर्टिकुलर डेलिमीटर के अनुसार। दूसरा फंक्शन क्या है, कैट फंक्शन है। कैट फंक्शन में क्या है, इसमें कैट में भी डिफरेंट टाइप का फंक्शन है, कैट है, कैट एक्स है, कैट एस है, ये क्या कैट एक्स है, ये फंक्शन कैट फंक्शन है, कैट एस फंक्शन है, कैट टी फंक्शन है, इसमें कैट ने में चार तरह के फंक्शन है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, आखिर मेनली डिफरेंस क्या है, तो सिंपल सा पहला चीज, ये मेरा मेन बेसिक फंक्शन है कैट का, कैट का कैट क्या करता है, मैंने बताया था कंकने, मतलब कि दो जो स्ट्रिंग रहता है, दो
दोनों स्ट्रिंग को कैनकेटेनेट मतलब कि कंबाइन करता है। मतलब कि मेरे पास अगर एन स्ट्रिंग है तो कैट फंक्शन यूज किए स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग थ्री लेके स्ट्रिंग एन तक, स्ट्रिंग एन तक को हम लोग कंबाइंड किए। और हम लोग क्या किए हैं, लीडिंग मतलब लीडिंग टेलिंग ब्लैंक और लीडिंग और ट्रेलिंग ब्लैंक को हम लोग रिमूव ये नहीं करता है। पहला चीज याद रखना है कि लीडिंग और ट्रेलिंग ब्लैंक को रिमूव नहीं करता है। सेम चीज सारे स्ट्रिंग को कंबाइंड कर रहा है, लेकिन कैट एस, एस से याद रखो एस हम क्या यूज किए थे, स्ट्रिप, स्ट्रिप फंक्शन यूज किए थे। एक्स्ट्रा हम लोग क्या लगाए, एस लगाए हैं, और यहाँ हम लोग क्या लगाए, टी लगाए हैं। तो स्ट्रिप फंक्शन का क्या यूज था कि लीडिंग और ट्रेलिंग ब्लैंक को रिमूव करता है, और ट्रिम फंक्शन का क्या यूज था कि मेरा ट्रेलिंग ब्लैंक है उसको रिमूव करता है। तो इसमें क्या होगा, दोनों स्ट्रिंग तो कंबाइंड होगा लेकिन लीडिंग और ट्रेलिंग ब्लैंक रिमूव हो जाएगा। लेकिन कैट टी का मतलब क्या हो जाएगा, दोनों स्ट्रिंग कंबाइंड हो जाएगा लेकिन जो स्ट्रिंग का जो ट्रेलिंग ब्लैंक है वे रिमूव हो जाएगा। तो ये तीनों के बीच का डिफरेंस हो गया। इंटरव्यू का फेवरेट क्वेश्चन ये कैट से क्वेश्चन पूछा जाएगा और डिफरेंस पूछा जाएगा तीनों के बीच में। बहुत ही फेमस क्वेश्चन है ये, ऑलवेज पूछा जाता है इसके बारे में। अगर कैट के बारे में जहां इंटरव्यू में एक क्वेश्चन आया तो इसके बारे में वह पूछेगा, कैट एस कैट टी के बारे में मतलब कब क्या होता है। अगर तुम ये रिमूव मतलब केवल तुमको ये याद है कि केवल एस मतलब स्ट्रिप है और टी मतलब ट्रिम है, तो अगर एस स्ट्रिप के बारे में जानते हो ट्रिम के बारे में जानते हो तो कैट के बारे में, तो कैट के बारे में तुम लोग जान रहे हो कि दो स्ट्रिंग को कंबाइन करने के लिए हम लोग यूज करते हैं। और एस का मतलब क्या है, स्ट्रिप फंक्शन है, मतलब क्या है कि मेरा लीडिंग और टेलिंग ब्लैंक को रिमूव करेगा। टी कैट ट्रिम फंक्शन लाइक ऐसा है और ये मेरा केवल टेलिंग ब्लैंक को रिमूव करेगा। और एक मेरे पास है कैट एक्स, एक फंक्शन और है कैट में मेरा, कैट कैट एक्स फंक्शन। तो कैट एक्स फंक्शन का मेरे पास डेलिमिटर क्या है, कैट एक्स सेम चीज है जो पहला, जो जैसे पहले आर्गुमेंट था ये सारे स्ट्रिंग को ऐड करने के लिए। लेकिन अब मुझे करना क्या है, मान लो कि दो मान लो वन मान लो ए, पहले क्या होता अगर स्ट्रिंग ए, अगर ये ए था ये बी था तो बी ऐड हो रहा था, लेकिन हम चाह रहे हैं क्या कुछ डेलिमीटर के साथ ऐड हो। अगर ये हम यहाँ ये स्लैश यूज करें तो ये स्लैश सॉरी ये कंबाइंड होगा ए बी, तीसरा स्लैश दे दिए सी, ये क्या हुआ डी, ऐसे कंबाइंड हो रहा है। तो हम लोग चाह रहे क्या जो भी मेरा स्ट्रिंग कंबाइंड हो एक मेरा डेलिमीटर के अनुसार कंबाइंड हो, इसलिए हम लोग एक्स यूज कर रहे हैं। एक्स सबसे डिफरेंट होता है एक्स, तो इसलिए इसमें इसमें क्या है डेलिमीटर के अनुसार मेरा मतलब क्या करता है, डिफरेंट जो मेरा स्ट्रिंग है ये सारे स्ट्रिंग के बीच में इंसर्ट हो रहा है। जो डेलिमीटर है दोनों दो स्ट्रिंग के बीच में मेरा ये डेलिमीटर, यहाँ जो हम डेलिमीटर डिफाइंड करेंगे, जो मेरे इस आर्गुमेंट में डेलिमीटर डिफाइंड करेंगे दो स्ट्रिंग के बीच में मेरा ये इंसर्ट होगा। तो ये तो मेरा हो गया। पहले हम लोग बहुत सारा थ्योरेटिकल बात कर रहे हैं, फिर हम लोग सारा चीज को मैंने प्रोग्राम में रन करा के फिर हम लोग देखेंगे कैसे काम कर रहा था, क्योंकि यहाँ पर मेरा सिंटेक्स इंपोर्टेंट है। एक फिर एक यहाँ पर इंपोर्टेंट है स्ट्रिंग फंक्शन, यहाँ पर हम लोग देखे कैसे काम कर रहा है स्कैन फंक्शन। तो स्कैन फंक्शन में मैंने बताया था तो स्कैन फंक्शन में क्या था कि पहला था कि स्कैन स्ट्रिंग एन या पोजीशन हम बोल रहे हैं और ये डेलिमीटर, मतलब क्या है स्कैन क्या करेगा जिस पोजीशन को मैंने शो किया है उस पोजीशन और पर्टिकुलर डेलिमीटर के अनुसार उस पर्टिकुलर करेक्टर को वह रिटर्न करेगा। तो स्कैन के बारे में कुछ एक एग्जांपल देख लेते हैं। तो यह क्या है, मान लो कि ये मेरा स्ट्रिंग फंक्शन ए है, इसमें क्या यूज किए टुडे इज फ्राइडे,
और मैंने स्कैन ये स्ट्रिंग हो गया ए और टू असाइन किया है जो पोजीशन है, तो क्या हो रहा है, ये मेरा फर्स्ट है, फर्स्ट वर्ड मेरा सेकेंड है, ये मेरा थर्ड है। अगर टू मैंने यहाँ असाइन किया है तो मेरा ये सेकेंड को ही हमको ये रिटर्न करेगा, तो b इक्वल टू क्या हुआ, इज को ही रिटर्न किया। और सेकेंड में मैंने क्या किया, अब इसका एक क्या है डेलिमीटर है, अब मैंने डेलिमीटर को a से असाइन किया, स्मॉल a, तुम ये देख सकते हो कि मैंने स्मॉल a को असाइन किया, तो डेलिमीटर मेरा क्या हो गया, ऐसे डिफॉल्ट डेलिमीटर क्या है, स्पेस होता है, तो यहाँ एक्चुअली स्पेस के अनुसार डिफरेंट वर्ड को मतलब वन लिए थे, एक स्पेस आया तो सेकेंड इसे माने, ये थर्ड माने, लेकिन अब लेकिन अब हम डेलिमीटर को स्पेस ना मान करके ए को स्पेस ए मान रहे हैं, तो मेरा क्या हुआ, ये एक मेरा एक वर्ड हो गया, ये तो मेरा डेलिमीटर हो गया, और सेकेंड ये एक मेरा वर्ड हो गया स्मॉल ए, स्मॉल ए तो नहीं है, तो मेरे पास इसको दो पार्ट में डिवाइड कर दिए जो डेलिमीटर ए है, अरे इसमें हम सेकेंड पार्ट को चाह रहे हैं, जो सेकेंड पोजीशन जो सेकेंड पार्ट है, तो सेकेंड पार्ट मेरा क्या है, ये है, कहां से है, वाई इज फ्राइडे, तो वाई इज फ्राइडे को रिटर्न करेगा। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत बार पूछा जाता है ये क्वेश्चन को, बहुत बार सिनारियों में करके इसे पूछा जाता है, एक्चुअली ये जो क्वेश्चन जितने होते हैं, ये फंक्शन के जितने क्वेश्चन होते हैं सिनारियो बेस्ड होते हैं, एक सिनारियो रहेगा, मतलब समझ आए कि यही एक सिनारियो जो मैं बता रहा हूँ, एक सिनारियो है, उसने बोला केवल मुझे फ्राइडे चाहिए, मतलब क्वेश्चन बोलेगा कि यह स्ट्रिंग है उसमें मुझे फ्राइडे चाहिए, कैसे आएगा, तो लेकिन ये मुझे पता कि ए अब माइनस वन, तो मतलब कि क्या है, ए अब माइनस वन दे रहे हैं, मतलब क्या है, कुछ नहीं है, अगर हम डेलिमीटर नहीं यूज कर रहे हैं तो क्या है, स्पेस इज द डिफॉल्ट आर्गुमेंट डेलिमीटर, मतलब वन ये टू है ये थ्री है, तो लेंथ कैसे, अगर हम लेफ्ट टू राइट इसको गिनती गिन रहे वन टू थ्री, अगर हम राइट टू लेफ्ट चल रहे हैं तो हम लोग क्या काउंट करते हैं, माइनस वन ये मेरा माइनस टू माइनस थ्री, लेफ्ट टू राइट चलें तो क्या, ये वन हो गया ये टू हो गया ये थ्री हो गया, इसको साइन बोल सकते हैं, तो केवल हमको फ्राइडे चाहिए, तो केवल फ्राइडे चाहिए, तो चलो ए या थ्री कर देंगे, लेकिन सिनारियो इसे नहीं होता है, सिनारियो में होता है क्या कि जो मेरा डाटा सेट होगा उसने बोला कि हो सकता है केवल ये एक स्ट्रिंग पर बात कर रहे हैं, उसमें मेरा बहुत सारा टुडे होगा, उसने बोला कि जो मेरा लास्ट वर्ड है मुझे केवल लास्ट वर्ड को चाहिए, तो केवल क्या किए माइनस वन दे दिए, माइनस वन से क्या हुआ, उस डाटा सेट का जो लास्ट वर्ड होगा वो लास्ट वर्ड आएगा, अगर बोलेगा सेकेंड लास्ट वर्ड चाहिए तो माइनस टू दे देंगे, बोलेगा थर्ड लास्ट वर्ड चाहिए थर्ड लास्ट वर्ड चाहिए तो माइनस थ्री यूज कर रहे हैं, तो जैसा कहेगा तो माइनस यूज नहीं, हम लोग ऐसे यूज कर सकते हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट कंसेप्ट है, उसके अनुसार मुझे पूछ सकता है। और लेंथ, लेंथ इंपॉर्टेंट है, लेंथ क्या होता है, लेंथ जो होगा फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ द लेंथ, ये लेंथ से ऑलवेज सर्टिफिकेशन एग्जाम में एक या दो क्वेश्चन रहता है फंक्शन का, ऑलवेज लेंथ से एक क्वेश्चन रहना है, हर एक बार रहता है लेंथ से रहेगा, और इसका क्या काम, कैसे स्कैन यूज करते हैं, फाइंड फंक्शन यूज करते हैं, कैट यूज करते हैं, ये तो रहता ही है, लेकिन लेंथ से भी एक क्वेश्चन ऑलवेज रहता है। इसका लेंथ कैसे पता चलेगा, इसका लेंथ मेरा हो गया फर्स्ट आर्गुमेंट ऑफ द लेंथ, मतलब मेरा आर्गुमेंट जो होगा फर्स्ट आर्गुमेंट, मेरा फर्स्ट आर्गुमेंट ए है, तो ए का लेंथ जो होगा ये पूरा इसका ये लेंथ होगा, मतलब कि इसका जो लेंथ होगा, जो लेंथ ए का वे इसका लेंथ बी का भी होगा, लेंथ सी का भी होगा, लेंथ डी का भी होगा, सबका लेंथ इक्वल होगा। अब हम लोग देखते हैं फाइंड फंक्शन, तो फाइंड फंक्शन क्या है, इसका सिंटेक्स क्या है, एक्चुअली फाइंड फंक्शन है क्या, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग, इसका सिंटेक्स थोड़ा लंबा है लेकिन इंपॉर्टेंट है, सब जगह हम लोग यूज करते हैं, पहले स्ट्रिंग यूज करते हैं, यहाँ सब स्ट्रिंग मॉडिफायर और स्टार्ट पोजीशन, मतलब एस एस एम एस, यहाँ एक्चुअली हम इसको बोलते हैं एस एस एम एस बोलते हैं, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग मॉडिफायर और स्टार्ट पोजीशन,
देखते हैं चलिए काम कैसे कर रहा है ये। तो फाइंड फंक्शन में हम लोग देख रहे हैं क्या, जैसे कि मैंने दो स्ट्रिंग मैंने बनाया आई और जे, तो इसमें क्या है मान लो कि स्पेस को मैंने अंडरस्कोर से शो कर रहा हूं, अंडरस्कोर से एक स्पेस राम टेलिंग स्पेस टेलिंग ब्लैंक और लीडिंग ब्लैंक दोनों है, जे में भी क्या है लीडिंग ब्लैंक और टेलिंग ब्लैंक दोनों है, सॉरी तो मैंने कैट बोल रहा था, मैं फाइंड फंक्शन की बात कर रहा हूँ। हाँ तो फाइंड फंक्शन में मेरा क्या है, ये मेरा आर्गुमेंट है और ये मेरा पोजिशन है, मतलब कि कौन सा सब स्ट्रिंग है, तो ये सब स्ट्रिंग मेरा कौन सा कौन से पोजिशन पर है उसको बताता है। स्कैन फंक्शन मेरा क्या था, करेक्टर के लिए काम कर रहा था, लेकिन फाइंड फंक्शन जो मेरा है, मेरा न्यूमरिक जो भी रिटर्न करेगा मेरा न्यूमरिक रिटर्न करेगा। तो यहाँ पर क्या है, ये ए है, तो ए जो है कौन से पोजीशन पर है फाइंड करेगा, फाइंड मतलब कोई चीज को सर्च करना, तो उस किस प्रकार सर्च करना, जिस प्रकार मैंने कमांड दिया, कमांड क्या है मेरा जो आर्गुमेंट है, किस प्रकार मैंने आर्गुमेंट को दिया है, तो मेरा ए स्ट्रिंग में स्मॉल ए किस पोजीशन पर है उसे मैं सर्च कर रहा हूं। तो मैं यह देखूंगा मेरा क्या है, एक मिनट, तो एक एक कौन से पोजीशन पर है स्मॉल ए, तो 1 2 3 4, तो इस स्ट्रिंग में मैंने देखा क्या एक कौन से पोजीशन पर, फोर्थ पोजीशन पर, ये 4 रिटर्न करेगा, न्यूमेरिक रिटर्न करेगा। अब मैंने सेकंड सिनेरियो क्या किया, कैपिटल ए को मैं सर्च कर रहा हूं इस पर्टिकुलर स्ट्रिंग में, तो कैपिटल ए कहां पर है, यहां पर है, ये कौन सा पोजीशन है, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14, तो ये 14 पर है। नेक्स्ट क्या है, हम दे रहे ए स्मॉल ए और 7, तो ये मेरा हो गया स्ट्रिंग, हो गया कि मेरा सब स्ट्रिंग हो गया, स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग, और मेरा स्टार्ट पोजीशन, मतलब कि स्ट्रिंग में मुझे ए सर्च करना है, सर्च क्या कर रहा है सब स्ट्रिंग, इस स्ट्रिंग में मुझे ये सब स्ट्रिंग को सर्च करना है, लेकिन कहां से सर्च करना है, स्टार्ट पोजीशन 7, मुझे 7 से सर्च करना है, तो मुझे क्या है 1 2 3 4 5 6 7, मुझे इस लेंथ से स्टार्ट करना, पहले मैंने कहां सर्च कर रहा था 0 से स्टार्ट कर रहा था, लेकिन अब मुझे स्टार्ट करना है 7 से, अब 7 से देखना है कि स्मॉल है कि नहीं, अब मुझे इस पोजीशन में नहीं देखना है, मुझे 7 से शो करना है, तो 7 से मैं देख रहा हूं तो कहीं भी स्मॉल ए नहीं है, तो इसलिए रिटर्न क्या करेगा 0। अब मैं यूज कर रहा हूं क्या, अगर मैं आई लगा दिया मॉडिफायर, तो आई एक मॉडिफायर है, तो मॉडिफायर मतलब क्या है, इसको केस इनसेंसिटिव बोल दिया, ए क्या है केस सेंसिटिव था, तो ए यहां स्मॉल ए है कैपिटल ए है, तो केस सेंसिटिव था, लेकिन मैं ये आई यूज किया, ये एक मॉडिफायर है, तो लोग केस इन ए को क्या कर दिया, केस इनसेंसिटिव कर दिया, लेकिन अब क्या बोल रहे हैं स्टार्ट करना है 7 को, सेम सिनारियो, लेकिन अब मैं देखूंगा ये 14 नंबर पर मेरा ए है, केस इनसेंसिटिव है, मतलब कि स्मॉल ए या कैपिटल ए कोई भी हो सकता है, तो इसलिए 14 नंबर को ये शो कर रहा है। तो मतलब फाइंड फंक्शन का मतलब क्या हुआ, मतलब पर्टिकुलर आर्गुमेंट के अनुसार उसको मुझे शो करना है, और इसका लेंथ क्या होता है 8 बाइट होता है, क्योंकि ये न्यूमरिक को रिटर्न करना है, एक चीज याद रखो हम बताए थे ये न्यूमरिक को रिटर्न कर रहा है, और न्यूमरिक का डिफॉल्ट लेंथ क्या होता है 8 बाइट होता है, और स्केल का क्या है, जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगा ये करेक्टर है, और फर्स्ट आर्गुमेंट जो होगा जो लेंथ होगा सो इस पर्टिकुलर का उसका लेंथ होगा। अब हम लोग बात कर रहे हैं नेक्स्ट कैट फंक्शन, तो कैट फंक्शन के बारे में हम लोग अभी देखे थे,
तो ये क्या है, अगर दो स्ट्रिंग हम लोग यूज कर रहे हैं आई और जे, आई में आगे पीछे लीडिंग ब्लैंक और टेलिंग ब्लैंक है, यहाँ भी लीडिंग ब्लैंक है और टेलिंग ब्लैंक है, और यहाँ कैट फंक्शन यूज कर रहे हैं आई जे आई, मतलब स्ट्रिंग वन स्ट्रिंग टू स्ट्रिंग थ्री, ये वन स्ट्रिंग ये सेकेंड स्ट्रिंग, मैं तीन स्ट्रिंग को कंबाइंड कर रहा हूं, तो क्या हुआ, तीनों स्ट्रिंग कंबाइंड हो रहा है, राम सीता राम, लेकिन क्या है, लीडिंग और टेलिंग ब्लैंक भी अवेलेबल है, लीडिंग ब्लैंक टेलिंग ब्लैंक, लीडिंग ब्लैंक टेलिंग ब्लैंक, लीडिंग ब्लैंक और टेलिंग ब्लैंक, ये भी अवेलेबल रहेगा, ये कैट हुआ। और कैट कैट एस में क्या हुआ, लीडिंग ब्लैंक और टेलिंग ब्लैंक रिमूव हो जाएगा, तो क्या हुआ, यहाँ पर कोई भी ये अंडरस्कोर नहीं है, अंडरस्कोर हम शो कर रहे हैं एक्चुअली, कभी अंडरस्कोर ब्लैंक से शो नहीं होता है, लेकिन हम लोग समझने के लिए शो कर रहे हैं कि अंडरस्कोर यहाँ ब्लैंक है, तो इसमें क्या आ रहा है, कोई भी यहाँ अंडरस्कोर नहीं आ रहा है, क्योंकि यहाँ एस है, एस मतलब एस स्ट्रिप जैसा काम कर रहा है फंक्शन, तो लीडिंग ब्लैंक और टेलिंग ब्लैंक में प्रत्येक स्ट्रिंग का लीडिंग और टेलिंग ब्लैंक को रिमूव कर रहा है, तो यहाँ पर जो यहाँ पे जो भी ये जितने भी अंडरस्कोर थे सबको रिमूव करके यहाँ ऐड हो रहा है, कोई भी लीडिंग और टेलिंग ब्लैंक नहीं है, लेकिन ये जब यहाँ टी यूज कर रहे हैं तो क्या है, ट्रिम फंक्शन जैसा काम कर रहा है, तो केवल यहाँ क्या है, इसका टेलिंग ब्लैंक रिमूव हो जाएगा, मतलब अंडरस्कोर राम ये ऐड होगा, इसमें क्या, इसका भी टेलिंग ब्लैंक रिमूव हो जाएगा, मतलब फिर अंडरस्कोर राम फिर ऐड क्या होगा, अंडरस्कोर सीता, फिर देखो अंडरस्कोर राम इसका टेलिंग ब्लैंक रिमूव, इसका सीता का ये लीडिंग ब्लैंक है, ये इसका लीडिंग ब्लैंक है, और सबका टेलिंग ब्लैंक रिमूव हो गया, ये हो गया टेलिंग ब्लैंक रिमूव के लिए, और एस हो गया लीडिंग और टेलिंग ब्लैंक दोनों के लिए। और कैटेक्स, कैटेक्स क्या बताए थे, दो स्ट्रिंग के बीच में ये डेलिमिटर इंसर्ट करते हैं, अगर अगर ये स्लैश यूज किए तो फॉरवर्ड स्लैश यूज किए तो फॉरवर्ड स्लैश इंसर्ट होगा, अगर जो जो भी मैंने यहाँ डेलिमिटर यूज करूंगा दो स्ट्रिंग के बीच में वे डेलिमिटर यहाँ पर ऐड हो जाएगा, ये मेरा डेलिमिटर है, ये डेलिमिटर, ये डेलिमिटर, ये भी डेलिमिटर है, ये भी डेलिमिटर है, दो स्ट्रिंग के बीच में ये डेलिमिटर यूज हो जाएगा, ये था मेरा कैट एक्स के बारे में, डेलिमिटर भी ऐड हो गया। और एक चीज और याद रखना है, मतलब डेलिमिटर भी ऐड हो रहा है और लीडिंग और टेलिंग ब्लैंक को भी रिमूव करता है, ये चीज याद रखना, एस और एक्स जो दोनों है लीडिंग और टेलिंग ब्लैंक को भी ये रिमूव करता है, ठीक है। और बस ये केवल कैट यूज करते हैं तो कोई ब्लैंक रिमूव नहीं होता है, अगर कोई दूसरा चीज हम कैट के साथ यूज कर लिए तो वहां मेरा जो लीडिंग या टेलिंग ब्लैंक है कोई ना कोई वहां से रिमूव होगा, ये याद है रखना, केवल ध्यान रखना। और एक इंपॉर्टेंट फंक्शन है ट्रांसवर्ड फंक्शन, ट्रांसवर्ड फंक्शन का मतलब क्या है, कोई चीज को सर्च करना, सर्च करके उस पोजीशन से उस चीज को रिप्लेस करना, तो हम लोग क्या दे रहे हैं, इसका सिंटेक्स मेनली क्या है, स्ट्रिंग सोर्स और रिप्लेस, ये स्ट्रिंग है ये उस पर्टिकुलर सोर्स को, और रिप्लेस क्या चीज करना है, उस चीज इस चीज से रिप्लेस करना है इस पर्टिकुलर सोर्स से, तो एग्जाम्पल में हम लोग देखते हैं, ये ट्रांसपोर्ट फंक्शन है, स्ट्रिंग एन है, इस एग्जाम्पल को मैंने लिया। और एक चीज और याद रखना, इसका जो लेंथ होता है कैट फंक्शन का जो लेंथ होता है 200 बाइट होता है, ऑलवेज याद रखो, लेंथ से ऑलवेज एक क्वेश्चन आता है। और इसका क्या है, ट्रांसवर्ड का मेरा स्ट्रिंग हो गया एन, मतलब स्ट्रिंग मेरा ये है, ये मेरा स्ट्रिंग है, ये मेरा स्ट्रिंग है, इसको मैं यूज कर रहा हूं। अब इसमें क्या कर रहा हूं, सोर्स ये है, मतलब कि जहां ये बैकवर्ड स्लैश है उसको रिप्लेस करना है स्टार से, जहां ये डेलिमिटर बैकवर्ड स्लैश यूज किया तो उसको स्टार से रिप्लेस करना, तो क्या हुआ, ये स्टार से रिप्लेस हो गया। फाइंड किया, फाइंड सर्च, फाइंड और रिप्लेस, ट्रांसवर्ड क्या है, फाइंड एंड रिप्लेस होता है। यह क्या है, अब है जहां राम है उसको सीता से रिप्लेस करना है, जहां भी इस स्ट्रिंग में राम होगा
उसको सीता से रिप्लेस कर दो। तो यहाँ जहां भी राम है या दो जगह राम है, यहाँ भी एक राम है यहाँ राम है, दोनों जगह सीता से रिप्लेस होगा, मतलब सब जगह एक्चुअली ये तो पहले सीता था बस यहाँ राम था, यहाँ भी राम था, उसको क्या हुआ सीता से रिप्लेस हो गया। ये तुम्हारा हो गया ये इस फंक्शन के बारे में। नेक्स्ट फंक्शन क्या है मेरा, इनपुट फंक्शन आउटपुट फंक्शन। तो इसमें बहुत एक चीज याद रखना है, इसको कैसे याद रखेंगे, बहुत बार कंफ्यूजन होता है लोगों को कि याद रखने के लिए किसको करने के लिए जो ये करेक्टर में कन्वर्ट होगा। एक्चुअली इनपुट जो होता है ये स्ट्रिंग से करेक्टर न्यूमरिक में कन्वर्ट कर देता है, आउटपुट जो होता है मेरा जो होता है ये मेरा न्यूमरिक से करेक्टर में भी कन्वर्ट कर देता है पुट फंक्शन। तो एक्चुअली याद कैसे करना है, मतलब न्यूमरिक बोल रहे मतलब इंटीजर होता है, इंटीजर मतलब कि इसमें आई है, देखो यहाँ पर आई है तो मेरा क्या है इंटीजर मतलब न्यूमरिक है, तो मतलब क्या है करेक्टर टू इंटीजर मतलब कि न्यूमरिक में कन्वर्ट करेगा। और ये पुट है तो ये क्या है इन है अरे पुट है, समझे मतलब पुट का मतलब क्या है पीएनसी, पुट को अगर याद रखना है पीएनसी से याद रखते हो, मतलब न्यूमरिक टू करेक्टर में हम लोग कन्वर्ट कर रहे हैं पीएनसी का। और इसका स्ट्रिंग सिंटेक्स है पुट स्ट्रिंग फॉर्मेट, जो इस चीज का फॉर्मेट है उस फॉर्मेट को असाइन करते हैं, इनपुट है तो उसका स्ट्रिंग और इनफॉर्मेट जो है उसका इनफॉर्मेट असाइन करेंगे, देखते हैं और इसके एग्जांपल में देखते हैं एक्चुअली कैसे है। लेकिन मेनली ये याद रखना है कैसे किसे हम कौन सा फंक्शन से यूज करके हमको करेक्टर से न्यूमरिक में कन्वर्ट करना है और न्यूमरिक को करेक्टर में कन्वर्ट करना है। तो न्यूमरिक करेक्टर टू न्यूमरिक में कन्वर्ट करने के लिए इनपुट फंक्शन यूज करते हैं, न्यूमरिक टू करेक्टर में यूज करने के लिए हम लोग पुट फंक्शन यूज करते हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हम लोग देखें, नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, अगर मेरा आर है, अगर मली आर डॉलर 500 यूज किए और ये s इक्वल टू 0 यूज किए, तो क्या t इक्वल टू पुट s, s दिए है 0 यूज किए और डेट 9 फॉर्मेट में दे दिए हैं, तो डेट 9 फॉर्मेट देने के कारण क्या हुआ मेरा जो इस फॉर्मेट में था जो 0 था सो डेट 9 फॉर्मेट में एज ए करेक्टर यहां सेव हुआ, क्योंकि पुट क्या है पीएनसी है, जो मैं न्यूमरिक था इस न्यूमरिक में एक करेक्टर इस पर्टिकुलर फॉर्मेट में सेव किया। और यू क्या है इनपुट है, मतलब मुझे क्या करेगा मेरा करेक्टर टू न्यूमरिक में मुझे न्यूमरिक में सेव करेगा। तो क्या था डॉलर 500 डॉलर था, तो क्या किया ये इसका इनफॉर्मेट क्या था डॉलर था, तो इसके यहाँ डॉलर असाइन कीजिए आर था, तो ये आर को इस ये जो मतलब कॉलम है आर्गुमेंट है इस आर्गुमेंट का जो इनफॉर्मेट था डॉलर यूज किए, तो लेकिन ये क्या था इसको मुझे न्यूमरिक में मुझे सेव किया, रिटर्न क्या किया एज ए न्यूमरिक, ये डॉलर नहीं आया, हमने बताया कि क्या करता है ये न्यूमरिक में कन्वर्ट करता है, और न्यूमरिक में कन्वर्ट करा है अगर लेंथ पूछेगा तो न्यूमरिक हम लोग जाते हैं डिफॉल्ट 8 बाइट होता है। तो ये हो गया इनपुट कैसे काम कर रहा है पुट कैसे काम कर रहा है। और नेक्स्ट है एक सबसे इंपॉर्टेंट है मेरा एक सब एसटीआर फंक्शन है, सब एसटीआर फंक्शन हम लोग कैसे काम करते हैं ये देखते हैं सब एसटीआर फंक्शन के बाद, फिर हम लोग सेस में देखेंगे, सेम प्रोग्राम मैंने सेस में भी यूज किया, मैं सेस में भी दिखा दूंगा कि सेस में कैसे काम करता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये भी है सब एसटीआर फंक्शन। सब एसटीआर फंक्शन क्या है, इसका सिंटैक्स है स्ट्रिंग स्टार्ट लेंथ, स्ट्रिंग क्या हो सकता है स्ट्रिंग वेरिएबल भी हो सकता है एक्सप्रेशन भी हो सकता है
ये स्ट्रिंग कॉन्स्टेंट भी हो सकता है, और इसका क्या है स्टार है लेंथ, और ये लेफ्ट सब स्टार होता है राइट सब स्टार भी होता है, तो इसको लेफ्ट सब स्टार क्या करते हैं, सब स्टार इक्वल टू, या कोई भी एक्सप्रेशन हम लोग यूज कर रहे हैं, राइट सब स्टार हम लोग क्या करते हैं ये यूज कर रहे हैं, सिनारियो में है एक सिनारियो है वहां पता चल जाएगा कि ये लाइट सब लेफ्ट सब सब स्टार क्या होता है राइट सब स्टार क्या होता है। तो सब स्टार क्या क्या करता है फंक्शन, सब स्टार फंक्शन ऑन द राइट हैंड साइड ऑफ असाइन द स्टेटमेंट यूज टू एक्सट्रैक्ट द करेक्टर, और इसमें क्या है स्ट्रिंग, स्ट्रिंग कैन बी वेरिएबल एक्सप्रेशन या स्टार्ट पोजीशन, और स्टार्ट क्या है उस कौन से पोजीशन पे स्टार्ट करना है ये है, और लेंथ क्या है कौन से पोजीशन पर स्टार्ट करना है ये, और टोटल कितना तक लेंथ लेना है ये भी है, मतलब क्या करेगा उस पर्टिकुलर स्ट्रिंग से कहां से स्टार्ट करना है और उतना लेंथ तक मुझे लेना है उस उतना मतलब कि स्ट्रिंग को मुझे रिटर्न करेगा, उतना करेक्टर को वे रिटर्न करेगा। तो हम लोग देखते हैं एग्जाम्पल में, एग्जाम्पल से हम लोग समझते हैं मेनली ये फंक्शन है क्या। हाँ तो यहाँ हम लोग देखते हैं ये फंक्शन क्या है सब एसटीआर, तो मैंने सब एसटीआर का फंक्शन मान लो कि एक मैंने एक स्ट्रिंग बनाया मैंने, यहां पर मैं एक स्ट्रिंग बनाया नेम यहां शशि कुमार है, और सब एसटीआर में बताया कि ये क्या है स्ट्रिंग, और सेकेंड स्टार्ट पोजीशन और टोटल लेंथ, तो इस स्ट्रिंग में पोजीशन कहां से स्टार्ट करना है मैंने दिया वन से, और लेंथ क्या होना चाहिए दो करेक्टर होना चाहिए, तो वन कहां यहां से स्टार्ट होगा, और लेंथ क्या होना चाहिए दो करेक्टर, मतलब क्या मेरा वन से स्टार्ट होगा और टू तक जाएगा, टू तक ही जाएगा दो करेक्टर तक जाएगा, और इसको ये रिटर्न करेगा, रिटर्न एक्स रिटर्न करेगा तो एस एच हमारा रिटर्न हो गया। फिर सेकेंड में हम लोग देखे क्या है तीन से स्टार्ट करेगा लेकिन दो ही करेक्टर होना चाहिए, तीन क्या है एस एच ए, तीन से स्टार्ट करेगा दो करेक्टर यहाँ तो ए एस, तो एस जैसा और सर रिटर्न करेगा। फिर इसमें देखे वन से स्टार्ट करेगा लेकिन टोटल करेक्टर सेवन होना चाहिए, वन से स्टार्ट किया यहां से वन से और सेवन तक एस एच ए एस एच आई और ये ब्लैंक, शशि केवल छह हो गया और एक ब्लैंक एस एच एस एच आई और ये ब्लैंक, ये मेरा यहाँ रिटर्न करेगा। और यहां देखिए यहां पर हम लोग यूज कर रहे हैं क्या स्ट्रिंग मोहन यूज कर रहे हैं, तो क्या थ्री स्टार्ट करना है लेकिन यहाँ लेंथ क्या रखना है वन रखना है, वन टू थ्री एच, ये जस्ट लाइक हो गया कैर, कैर फंक्शन हम लोग यूज कर रहे हैं, कैर फंक्शन क्या करता है केवल एक ही करेक्टर को वो रिटर्न करता है, अगर केवल हम वन यूज कर दिए तो क्या हुआ कैर फंक्शन टाइप से काम कर रहा है। इंटरव्यू में पूछा जा सकता है कि तुम कब कब तुम कैर फंक्शन को मतलब कैर फंक्शन यूज किए, तो मतलब तुम ऐसा कोई फंक्शन है जिसे तुम सेम मतलब कि मतलब रिजल्ट को शो कर सकते हो, तो सब एसटीआर फंक्शन को केवल यहाँ वन कर देंगे तो सेम टाइप कैर फंक्शन पूरा यूज होगा। अब नेक्स्ट क्या है सेम चीज को अगर हम आप केस कर दिए नेम को तो सारा क्या कैपिटल हो जाएगा, और थ्री और फोर तो थ्री से स्टार्ट करना है और चार करेक्टर होना चाहिए ए एस एच आई ए एस एच आई, और क्या है ये मेरा कैपिटल, मतलब क्या हो गया फंक्शन के इसमें सबसे बड़ा चीज क्या है देखने के लिए, ये एक फंक्शन है इस फंक्शन के अंदर एक फंक्शन यूज कर रहे हैं, तो इससे पता चलता है कि फंक्शन के अंदर भी हम लोग फंक्शन यूज कर सकते हैं, ऐसे हम फंक्शन यूज नहीं करते क्या था असमो वाला था ए ऐसे चाहिए और फिर हमको कैपिटल में चाहिए था फिर हमको अपकेस लगाना पड़ता, तो हम क्यों ना हम यहीं पर जो आर्गुमेंट ले रहे हैं इसको हम कन्वर्ट करते हैं अपकेस में और उसके बाद थ्री टू फोर लगाते हैं। और नेक्स्ट इसमें इंपोर्टेंट है लेंथ,
इसका लेंथ क्या होगा, इसका भी लेंथ होगा, जो आर्गुमेंट का लेंथ होगा वे लेंथ होगा, आर्गुमेंट लेंथ 12 है तो 12 12 12, इसका लेंथ 5 है तो 5, इसका लेंथ 12 है तो 12। तो इसमें क्या हुआ लेंथ के बारे में पता चला, सबका याद रखना है लेंथ क्या होगा। तो मतलब कि एक चीज हम लोग देखेंगे कि मैक्सिमम जितना भी करेक्टर जितना सबका सबका लेंथ, फर्स्ट जो आर्गुमेंट था तो पहले 200 लेंथ बहुत में चल रहा था, लेकिन सेफ 9.4 के अनुसार हम लोग देख रहे हैं तो जो जो फर्स्ट आर्गुमेंट है उसके अनुसार इसका लेंथ होगा। लेकिन लेकिन जब हम कैट फंक्शन यूज करते हैं तो कैट फंक्शन का लेंथ 200 होता है, 200 बाइट। केवल केवल याद रखना ये चीज, कैट फंक्शन और ट्रांसवर्ड फंक्शन का ही लेंथ 200 बाइट होता है। इसके अलावा जितना भी तुमको फंक्शन अभी मिलेगा सब फंक्शन जो फर्स्ट आर्गुमेंट होगा, फर्स्ट आर्गुमेंट समझे, तो फर्स्ट आर्गुमेंट के अनुसार होगा, ये भी फर्स्ट आर्गुमेंट है, फर्स्ट आर्गुमेंट के अनुसार उसका लेंथ होगा। लेकिन कैट फंक्शन और ट्रांसवर्ड फंक्शन का लेंथ केवल 200 बाइट होगा, ये इंपॉर्टेंट है। और इनपुट का क्या है, इनपुट न्यूमेरिक में कन्वर्ट करता है इसलिए डिफॉल्ट उसका 8 बाइट होगा। ये तो मेरा हो गया मेरा ये सब। अब हम लोग देखेंगे केवल सिंपल सा, मेरे पास एक दो फंक्शन बचा है, एक कंप्रेस फंक्शन और दूसरा एक कॉम्बीएल फंक्शन। कंप्रेस फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, छोटा भी है लेकिन इंपॉर्टेंट है। तो पहले कॉम्बीएल फंक्शन देख लेते हैं, कॉम्बीएल फंक्शन होता क्या है। कॉम्बीएल फंक्शन क्या है, ये कैरेक्टर से जो कैरेक्टर स्ट्रिंग है उसे मल्टीपल मल्टीपल ब्लैंक को रिमूव करता है और केवल एक ब्लैंक बनाता है। जो टू और मोर ब्लैंक होता है उसको कन्वर्ट क्या करता है, वन सिंगल ब्लैंक में, मल्टीपल ब्लैंक को रिमूव करके एज ए सिंगल ब्लैंक। ऐसे हम लोग ट्रिम या स्ट्रिप या कैटेक्स कैटेक्स या कैट एक्स यूज करते थे तो वहां क्या होता था, वहां होता था कि या लीडिंग ब्लैंक या टेलिंग ब्लैंक को रिमूव करता था। लेकिन यह कॉम्ब बीएल फंक्शन में क्या होता है, कॉम्ब बीएल फंक्शन का क्या है कि टू और मोर ब्लैंक होगा उसको एज ए सिंगल ब्लैंक में एज ए डिनोट करेगा। एज ए अगर दो स्ट्रिंग के बीच अगर दो मतलब कि ये इस स्ट्रिंग के बीच में अगर चार ब्लैंक है, सपोज दैट यहाँ चार ब्लैंक है, मतलब शशि ये मान लो ये शशि है ये कुमार है, इसके बीच में अगर चार ब्लैंक है तो इसको रिमूव करके केवल एक ब्लैंक रखेगा, केवल दोनों बीच में एक ब्लैंक रहेगा और रिमेनिंग ब्लैंक को रिमूव कर देगा कॉम्ब बीएल फंक्शन से। और नेक्स्ट है स्ट्रिप, पहले हम लोग इसका देख लेते हैं सेस में कैसे क्या हुआ, फिर उस वक्त स्ट्रिप फंक्शन का कंप्रेस फंक्शन का देखेंगे, कंप्रेस फंक्शन भी एक एग्जांपल से देखेंगे तो समझ में आ जाएगा। और बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है कंप्रेस फंक्शन, बहुत सारे लोग कंप्रेस फंक्शन में ही फंस जाते हैं कि इसका जवाब कैसे दे। तो हम लोग चलो देखते हैं एग्जांपल से, एग्जांपल में क्या हो रहा है। सेम एग्जांपल है जो मैंने यहाँ बताया था अभी नोट्स में, सेम एग्जाम्पल को मैंने यहाँ सेस में रन कर रहा हूँ क्योंकि जब तक प्रैक्टिकल नहीं होता है पता नहीं चलता एक्चुअली क्या है। सेम चीज को मैंने यहाँ लिखा जो मैंने नोट्स में उसमें समझाया था, जो स्ट्रिंग है मेरा टुडे इज फ्राइडे, स्कैन फंक्शन है, स्कैन फंक्शन क्या करता है कि सेकेंड है, डिफॉल्ट क्या है, डिफॉल्ट डेलिमीटर क्या है स्पेस है, तो ये फर्स्ट है सेकेंड तो इंच को रिटर्न करेगा और यहाँ डेलिमीटर स्मॉल ए है और उसका जो फर्स्ट पार्ट है उसके फर्स्ट पार्ट को रिटर्न करेगा मतलब टीओडी को रिटर्न करेगा। थर्ड में क्या है कि माइनस वन है तो ये क्या माइनस वन क्या फ्राइडे तो फ्राइडे को रिटर्न करेगा। फाइंड ए है तो न्यूमरिक ये रिटर्न करेगा और इसका लेंथ क्या होता है, इसका लेंथ है ये फर्स्ट आर्गुमेंट का जो लेंथ होगा ये इसका लेंथ होगा। अब फाइंड क्या है, फाइंड ये स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग सब स्ट्रिंग ये है तो ए को फाइंड करेगा स्मॉल ए को तो यहाँ ये पोजिशन 4 रिटर्न करेगा, कैपिटल ए को फाइंड करेगा तो 14 रिटर्न करेगा
और ये सेवन से स्टार्ट होगा, वहां फिर स्मॉल ए रिटर्न करेगा, तो सेवन के बाद स्मॉल ए नहीं है तो इसलिए क्या होगा जीरो यहाँ रिटर्न करेगा। और यहाँ मॉडिफायर क्या है, ये मॉडिफायर मेरा आई है, मतलब कि ये स्मॉल ए या कैपिटल ए कोई भी होगा उसको रिटर्न करेगा, और कहाँ से स्टार्ट करेगा सेवन से, तो सेवन के बाद ए कैपिटल ए 14 का 14 यहाँ रिटर्न करेगा। और सेम चीज मैंने यहाँ दिखाया था टेस्ट फोर में, टेस्ट फोर ए इज टीओडी फ्राइडे फ्राइडे 4:14:00 को रिटर्न कर रहा है। आई राम सीता दोनों को मैंने सीधे कैट यूज किया, तो लीडिंग टेल में किसी को रिमूव नहीं किया है। एल से क्या है मैंने यूज किया है, एल में कैट टी यूज किया है, कैट टी क्या करता है ट्रिम, केवल मेरा टेलिंग ब्लैंक को रिमूव करेगा। एस क्या करेगा लीडिंग और टेलिंग ब्लैंक दोनों रिमूव करेगा। कैट एक्स क्या करेगा दोनों के बीच में ये डेलिमीटर इंसर्ट कर देगा, दो इंसर्ट आई जे के आई में, और कैट एक्स में क्या करेगा जीरो इंसर्ट कर देगा। तो इसको हम लोग देखते हैं ऐसा हुआ कि नहीं। देखो टेलिंग ब्लैंक को रिमूव कर दिया और कंबाइन हो गया, लीडिंग टेलिंग ब्लैंक दोनों रिमूव कर दिया और कंबाइन हो गया। और इसमें क्या हुआ कैट एक्स में क्या डेलिमीटर अंदर बैकवर्ड स्लैश यूज किया था, बैकवर्ड स्लैश दो स्ट्रिंग के बीच में इंसर्ट हो गया, और इसमें क्या जीरो यूज किया था तो दो स्ट्रिंग के बीच में ये इंसर्ट हो गया। और ट्रांसफर फंक्शन क्या है एन में अगर ये सोर्स है ये रिप्लेसमेंट, ये स्ट्रिंग सोर्स रिप्लेसमेंट, तो ये सर्च करेगा क्या बैकवर्ड स्लैश को सर्च करेगा और स्ट्रिंग से रिप्लेस करेगा, राम को सर्च करेगा और सीता को रिप्लेस कर देगा। ये बैकवर्ड से उसी स्टार से रिप्लेस किया, राव को सर्च किया, सीता से रिप्लेस कर दिया। और नेक्स्ट पुट और इनपुट में क्या था ये दो करेक्टर मैंने स्ट्रिंग को डिफाइन किया, ये आर और एस, या यहाँ पर मैंने यूज किया पुट फंक्शन। तो पुट फंक्शन में मैंने क्या यूज किया था ये एस और फॉर्मेट, कौन सा फॉर्मेट में है, तो एस को मुझे डेट नाइट फॉर्मेट में करना है, ये तो डेट नाइट फॉर्मेट में आएगा। और आर को क्या करना है जो इन फॉर्मेट, ये क्या है इन फॉर्मेट, तो डॉलर फोर, तो 1 2 3 4 4 है तो डॉलर फोर है, और इसको न्यूमेरिक में कन्वर्ट होगा, तो न्यूमेरिक में कन्वर्ट क्या होगा 500 रिटर्न होगा, ये 1 जनवरी 1960 ये 500 रिटर्न होगा। और एक चीज देख सकते हो ये डॉलर नाइन है, डॉलर नाइन का मतलब क्या है, डॉलर नाइन का मतलब क्या है करेक्टर में, तो क्या हुआ ये डीडी डेट नाइन फॉर्मेट में ना कन्वर्ट होके क्या हुआ ये मेरा कैरेक्टर में कन्वर्ट हुआ है। तो और ये मेरा क्या है न्यूमरिक में कन्वर्ट हुआ है, बेस 12 फॉर्मेट जो है उसमें ऑटोमेटिक कन्वर्ट हुआ है। तो बेस 12 फॉर्मेट से बताएंगे तो बेस 12 फॉर्मेट भी क्या होता है। तो इनपुट आउटपुट का समझ में आ गया कि मतलब आई है मतलब ये कन्वर्ट हो रहा है मेरा न्यूमरिक में, आउटपुट क्या है पीएनसी, पीएनसी मतलब क्या न्यूमरिक टू कैरेक्टर में मेरा कन्वर्ट हो रहा है। हाँ कॉम बी एल फंक्शन मैंने बता रहा था, कॉम बी एल फंक्शन क्या होता है, तो कॉम बी एल फंक्शन क्या है कि ये शशि और कुमार के बीच में क्या है इतना स्पेस है, लेकिन कॉम बी एल फंक्शन क्या करेगा केवल एक स्पेस रखेगा और सारा स्पेस को ये रिमूव कर देगा। तो हम लोग देख सकते हैं कि अब यहाँ केवल क्या है केवल एक ही फंक्शन एक ही स्पेस है, पहले क्या था यहाँ पर बहुत सारे स्पेस थे लेकिन अब केवल एक ही स्पेस है और सारे स्पेस को रिमूव कर दिया कॉम बीएल फंक्शन से। ये तो हो गया कैसे ये लोग काम कर रहा है ये फंक्शन। आप देखते हैं एक 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 रिमेनिंग जो बचा है एक इम्पोर्टेंट भी है कंप्रेस फंक्शन, लास्ट फंक्शन है अब इम्पोर्टेंट फंक्शन है इंटरव्यू में अगर किसी को रहता है कि हाँ इसे देख लेते अगर उसको फंक्शन आता है मेनली तो इससे बहुत बार क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो कंप्रेस फंक्शन मेनली होता क्या है, तो कंप्रेस फंक्शन में क्या कंप्रेस फंक्शन रिमूव द करेक्टर लिस्टेड इन द करेक्टर आर्गुमेंट फ्रॉम द सोर्स एंड इफ नो करेक्टर्स आर स्पेसिफाइड देन कंप्रेस फंक्शन रिमूव ऑल ब्लैंक फ्रॉम द
सोर्स। तो एक्चुअली देखते हैं एक्चुअली ये कैसे काम करता है। ये मेरा कंप्रेस फंक्शन है, ये आर्गुमेंट है, सोर्स है, कैरेक्टर है और ये मॉडिफायर है। और ये मेरे पास लिस्ट ऑफ मॉडिफायर है। इस मॉडिफायर के अनुसार प्रत्येक मॉडिफायर का डिफरेंट डिफरेंट यूज होता है। ये चीज देखना है सबको क्या यूज है। पहले हम लोग देखते हैं कि मेरे पास ये जो कुछ मॉडिफायर, ये मेरा इंपोर्टेंट मॉडिफायर है। तो इसमें क्या है, अगर हम मॉडिफायर ए, मॉडिफायर की जगह ए यूज करते हैं तो ए क्या करता है, कंप्रेस या डिलीट ऑल द अप केस या लो केस फ्रॉम द स्ट्रिंग। स्मॉल ए करेगा क्या, टोटल अप केस और लो केस को जो करेक्टर होगा उस स्ट्रिंग से उसको कंप्रेस कर देगा। कंप्रेस का मतलब क्या, डिलीट कर देगा। ए के का मतलब क्या है, के मतलब याद रखो कैप्ट। याद रखने का तरीका क्या है, के मतलब कैप्ट, मतलब क्या है, मतलब कि अगर उस स्ट्रिंग में क्या करेगा, 1 2 3 जो होगा उसको डिलीट करेगा, अल्फाबेटिकल करेक्टर जो है उसको डिलीट, मतलब कि ए मतलब कि आप केस और लो केस को ही रखेगा और रिमेनिंग को डिलीट करेगा। और केडी क्या है, कंप्रेस या डिलीट कैरेक्टर फ्रॉम अ स्ट्रिंग कीप ओनली डिजिट, मतलब कि उस स्ट्रिंग में केवल मेरा अल्फाबेटिकल है और न्यूमरिक है तो उसमें डी है, मतलब क्या है, डी के डी के मतलब कैप, डी मतलब डिजिट, मतलब केवल मेरा डिजिट को ही कीप करेगा। डी डी मतलब क्या है, मेरा क्या है, न्यूमरिक वैल्यू को डिलीट करेगा, मतलब जो डिजिट है उसको डिलीट करेगा। आई मतलब क्या है, आई मतलब मेरा क्या है, मॉडिफायर बताए थे आई होता है, तो मतलब क्या, लो केस और अप केस दोनों को मेरा डिलीट कर देगा। के मतलब क्या है, के यूज करेंगे मतलब जो भी के, अगर हम मॉडिफायर के यूज किए और करेक्टर की जगह जो भी करेक्टर हम स्पाई करेंगे तो उस करेक्टर या मतलब उस पर्टिकुलर चीज को वह कैप करेगा, मतलब कि और रिमेनिंग को वो डिलीट कर देगा। और एल क्या है, एल डिलीट क्या है, लोअर केस होगा उसको डिलीट करेगा। पी क्या है, जो पंचुएशन मार्क होगा उसको डिलीट करेगा। ये याद रखना, ये एक इंपॉर्टेंट है, लोगों को ये चीज याद नहीं होता, इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ किया जाता है पी के बारे में, सभी को ज्यादातर ये सब याद होता है, ये सब याद होता है, लेकिन ये चीज लोग भूल जाते हैं पी के बारे में, और इंटरव्यू में ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कभी काल, डिफिकल्ट बनाने के लिए ये क्वेश्चन पूछ दिया जाता है कि स्पेशल करेक्टर या पंक्चुएशन मार्क है उसको हम लोग कैसे रिमूव करेंगे, तो उसके लिए हम लोग मॉडिफायर पी यूज करते हैं। और यू क्या है, यू करता है क्या, अपर केस होता है उसको यूज करते हैं। एस क्या है, जो स्ट्रिंग है जो डिफॉल्ट एस, एस मतलब क्या, स्पेस, स्पेस को हम लोग रिमूव करते हैं। अगर अगर और कभी काल पूछा कि और ये और रिमेनिंग है, कभी ज्यादातर नहीं पूछा जाता है, फिर भी एक बार देखना चाहिए, कभी काल इंटरव्यू भी पूछ सकते हैं। अंडरस्कोर और लेटर को रिमूव करना है तो एफ, और जी से ग्राफिकल जो करेक्टर है जी से रिमूव हो गए, जी मतलब ग्राफिक, तो वैसे ग्राफिकल करेक्टर। एच मतलब हॉरिजॉन्टल टैब को रिमूव करने के लिए। सी मतलब सिंगल करेक्टर फ्रॉम द स्ट्रिंग से रिमूव करने के लिए यूज करते हैं। तो केवल हम थ्योरेटिकल बात करेंगे तो समझ में आता नहीं थ्योरेटिकल, इसलिए हम थोड़ा सा देखते हैं, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। तो एग्जाम्पल में कैसे क्या है, तो एग्जाम्पल में हम लोग देखें तो एग्जाम्पल में क्या है, तो समझ जाओ कि हम लोग यूज कर रहे हैं, ये एक मेरा स्ट्रिंग है, एग्जाम्पल हम लोग लिए हैं, ये स्ट्रिंग लिए हैं जिसमें स्टडी सैस ये ब्लैंक भी है, ब्लॉक भी है, पंचुएशन मार्क भी है, न्यूमरिक भी है, अंडर डॉट है। तो ये एक मैंने स्ट्रिंग को मैंने यहाँ डिफाइन किया है। अब मैंने यहाँ क्या किया है, स्ट्रिंग और ये अंडरस्कोर में क्या किया, स्पेस को डिफाइन किया है, मतलब क्या है, जो भी स्पेस होगा वे रिमूव हो जाएगा इसमें, इस स्ट्रिंग में जितनी भी स्पेस है सारा स्पेस केवल रिमूव होगा, ये केवल क्या है, स्पेस रिमूव होगा और रिमेनिंग उसको रिटर्न करेगा। और ए क्या है, ए के का मतलब क्या है,
ए के का मतलब है क्या, के क्या करेगा, ओनली ए आरो मतलब कि मेरा अप केस और लो केस है उसी को कैप्ट करेगा अल्फाबेट का करेक्टर, और रिमेनिंग सबको क्या करेगा रिमूव कर देगा। तो इसमें इसमें जो भी है इसमें ब्लैंक, तो ब्लैंक को केवल कैप्ट करेगा, तो क्या है स्टडी सेस है इसको रिमूव कर दिया, न्यूमरिक करेक्टर है इसको रिमूव कर दिया, सब जो केवल अल्फाबेटिकल करेक्टर जो अप केस लो केस में उसको कैप कर रहा है, रिमेनिंग क्या कर रहा है डिलीट कर रहा है। और डी में ये क्या है, डी में मतलब क्या है, डी केवल दे दिया मॉडिफाई कर दिया, क्या करेगा डी मतलब डिजिट, डी मतलब जितना भी डिजिट सब है उसको केवल डिलीट करेगा, मतलब 117152 है उसको केवल ये डिलीट कर रहा है। तो इसमें क्या डिलीट कर रहा है, ये जो न्यूमरिक है उसको डिलीट कर रहा है। एल क्या है, एल का मतलब क्या है लोअर केस, तो इसमें जो भी लोअर केस होंगे इस स्ट्रिंग से केवल उसको डिलीट करेगा। तो इसमें देख सकते हो टी यू डी वाई सब लोअर केस है, तो एस रह गया, फिर एस ए एस आ गया, ये अपर केस है, ये अपर केस है, एल ओ जी डिलीट हो जाएगा, ये सब है, केवल जो लोअर केस है ये डिलीट होगा। और ये यू क्या है, यू है क्या जो अपर केस है, यू यू मतलब अपर, एल मतलब लोअर, तो अपर केस को ये डिलीट करेगा। अगर के लगा देते जैसे कि ए के था मतलब के डी था मतलब उसको कैप्ट कर रहा था, अगर उसको अगर नहीं मॉडिफाइड डायरेक्ट लगा तो उसको केवल कंप्रेस कर रहा है, मतलब यू केवल अपर केस जो है एस है, इसमें क्या एस है, ये है बी है, इसको डिलीट कर देगा, तो यहां से ये डिलीट हो रहा है। और ये के क्या है कि जो मतलब के मतलब देने का मतलब केस याद रखो केप्ट, तो के क्या केप्ट करना है, जो एस है एस को केप्ट करना, पर्टिकुलर करेक्टर को केवल केप्ट करना है इसमें जो भी है, तो केवल क्या देखो एस यहाँ है एस यहाँ है एस यहाँ है, ये तीन एस को केवल केप्ट करेगा, रिमेनिंग को कंप्रेस कर देगा। अब मैंने पी बताया था क्या, पी मतलब पंचुएशन मार्क, तो पंचुएशन मार्क में कौन कौन सा यूज करना है, मतलब पी तो अंडरस्कोर और डॉट, तो अंडरस्कोर डॉट को हम यहाँ डाल दिए, मतलब जो भी अंडरस्कोर डॉट है उसको कंप्रेस करना है, इसमें जो भी है ये यहाँ से कंप्रेस हो गया। और आई आई मतलब क्या, हम जानते हैं आई मतलब मोडिफाई, मतलब कि आई से मॉडिफाई हम लोग यूज किए थे वहां पर, तो ये ट्रांसफर फंक्शन में ये फाइंड फंक्शन में, तो मतलब कि स्मॉल ए दिए लेकिन ये स्मॉल ए और कैपिटल ए दोनों को ये कंप्रेस कर देगा। और ये स्मॉल ए क्या है, ये क्या करेगा, स्मॉल ए जो भी अल्फाबेटिकल है उसको अल्फाबेटिकल को ये रिमूव कर देगा। और के डी क्या है, केवल ये रखेगा न्यूमरिक को रखेगा, रिमेनिंग को ये डिलीट कर देगा। और इसकी सेम चीज अगर के रखे, के मतलब केप्ट, केप्ट मतलब क्या, जो हम इसको ये डिफाइंड किए हैं केवल उसको रखना है और सबको डिलीट कर देना है, तो 117 ये न्यूमरिक को जो इस रेंज में है, जो हम रेंज डिफाइन किए हैं इस रेंज में जो है वे यहाँ रखा गया है, इस रेंज में केवल ये है और रिमेनिंग ये सबको क्या किया है कंप्रेस कर दिया है। तो ये चीज समझ में आया कि मतलब हम लोग कैसे हम लोग यूज करते हैं कंप्रेस फंक्शन को, कब मुझे कौन सा मॉडिफायर यूज करना है और कब मुझे किसका यूज करना है, ये हो गया सारा मेरा कंप्रेस फंक्शन। कंप्रेस फंक्शन को और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन था, और डिफरेंट टाइप ऑफ फंक्शन को हम लोग कैसे यूज करेंगे, डिफरेंट टाइप फंक्शन में हम लोग ये आज देखे कि ट्रिम फंक्शन, ट्रिम फंक्शन, स्ट्रिप फंक्शन, लेफ्ट फंक्शन, लो केस, अप केस, प्रोप केस, लेंथ, करेक्टर, इंट, एन, मिस, सी, मिस, एन, स्कैन, फाइंड, कैटेक्स, ट्रांसवर्ड, ऐसे। तो मेन चीज इसमें याद रखना है एज ए इंटरव्यू और सर्टिफिकेशन एग्जाम से बहुत ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन बहुत ही इंपॉर्टेंट मतलब करें सर्टिफिकेशन एग्जाम में भी 4-5 क्वेश्चन आता है इससे, एकदम 4-5 क्वेश्चन आना ही है बस ये 28 फंक्शन से। और इसका लेंथ क्या है, सिंटेक्स क्या है, काम कैसे करता है, और इंटरव्यू में इससे सिनारियो बेस्ड क्वेश्चन आता है। मान लो कोई एक डाटा सेट दे दिया या स्ट्रिंग दे दिया, तो उसे पूछेगा कि ये पर्टिकुलर करेक्टर कैसे निकालना है, केवल लास्ट वर्ड को कैसे निकालना है, पर्टिकुलर नंबर रिपीटेड है कैसे निकालना है, कैसे रिप्लेस करना है, कैटेक्स फंक्शन कैसे यूज करना है, कैटेक्स फंक्शन कैसे यूज करना है।
तो इसका स्क्वायर सबका स्ट्रिंग और कैसे क्या है तो उससे हम लोग को पता चल जाता है। तो ये सब इम्पोर्टेंट है, खासकर इंटरव्यू के लिए स्कैन फंक्शन से लेके कंप्रेस फंक्शन तक बहुत इम्पोर्टेंट है। कंप्रेस फंक्शन में क्या है, पर्टिकुलर अब मॉडिफायर के अनुसार हम किसको कंप्रेस करना है, तो वही हमारा कंप्रेस फंक्शन से हम लोग यूज करते हैं, पर्टिकुलर मॉडिफायर से कैसे हम लोग को उसको यूज करना है, हम लोग उसको यूज करते हैं सारा फंक्शन से। तो फंक्शन में ये सारा जो भी है ये सारा इम्पोर्टेंट है। तो रवि इसमें कोई डाउट?